हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दैट एल एक्सपर्ट चैनल। तो इस वीडियो में हम रजिस्टर एंड लॉगिन पेज को क्रिएट करने वाले हैं जो कि फायरबेस से कनेक्ट रहेगा। तो इसको क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको एंड्रॉइड स्टूडियो में आ जाना है एंड न्यू प्रोजेक्ट पे आपको क्लिक कर देना है। तो मैं आ जाता हूँ एंड न्यू प्रोजेक्ट पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे हम न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक्टिविटी सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो मैं यहाँ से एम्प्टी एक्टिविटी को सिलेक्ट कर देता हूँ एंड नेक्स्ट बटन पर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ से आपको नेम दे देना है लॉगिन, रजिस्ट्रेशन। ओके, तो हमने यहाँ पे नेम दे दिया है लॉगिन एंड रजिस्टर। यहाँ से आप पैकेज नेम भी चेंज कर सकते हो, यहाँ से सेव लोकेशन भी आप चेंज कर सकते हो, बट आपको ध्यान में रखना है जो लैंग्वेज रहेगी वो यहाँ से आपको जावा ही सिलेक्ट करनी है। ओके, तो ये होने के बाद आपको फिनिश बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे हम फिनिश बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ग्रेडल बिल्ड स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे शो हो रहा है ग्रेडल बिल्ड की प्रोसेस। तो ये ग्रेडल बिल्ड फिनिश नहीं होता तब तक हम वेट करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रेडल बिल्ड फिनिश हो चुका है। यहाँ पे शो हो रहा है स्कैनिंग फाइल टू इंडेक्स एंड जितने भी फाइल थे हमारी लोड हो चुके हैं। तो अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले स्प्लैश स्क्रीन क्रिएट करना है ऐप के लिए। तो स्प्लैश स्क्रीन क्रिएट करने के लिए आपको पैकेज नेम पे क्लिक करना होगा। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ एंड यहाँ पे राइट क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप इस पे राइट क्लिक करोगे यहाँ पे आपको न्यू क्रिएट करना होगा एंड यहाँ से आपको एक्टिविटी पे सिलेक्ट करना होगा। मैं यहाँ से एम्प्टी एक्टिविटी को सिलेक्ट कर देता हूँ। जैसे आप एम्प्टी एक्टिविटी पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक्टिविटी नेम एंटर करने के लिए आ चुका है। तो मैं यहाँ से स्प्लैश स्क्रीन नेम दे देता हूँ एक्टिविटी का, क्योंकि हमें स्प्लैश स्क्रीन क्रिएट करनी है एंड ये हमारी फर्स्ट एक्टिविटी रहेगी, इसलिए मैं लॉन्चर एक्टिविटी पे मैं क्लिक कर देता हूँ। ओके, एंड फिनिश बटन पे हम क्लिक कर देंगे। तो जैसे फिनिश बटन पे क्लिक करेंगे हम, अगेन यहाँ पे ग्रेडल बिल्ड स्टार्ट हो जाएगा। तो हम ग्रेडल बिल्ड फिनिश होने तक वेट करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रेडल बिल्ड फिनिश हो चुका है। अभी हमें क्या करना होगा, सबसे पहले डॉट एक्सएमएल फाइल में आना होगा। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ एक्टिविटी स्पेस स्क्रीन। ओके, तो यहाँ पे हमने स्प्लैश की स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक कर दी, आप करेक्ट कर सकते हो। मैं भी यहाँ पे स्प्लिट पे क्लिक कर देता हूँ। ओके, तो हम क्या करेंगे, एक इमेज भी यूज़ करेंगे एंड एक टेक्स्ट भी यूज़ करेंगे स्प्लैश स्क्रीन में। एंड हम जो एक कंस्ट्रेंट लेआउट है तो इसको हम चेंज करेंगे रिलेटिव लेआउट से। तो मैं चेंज कर देता हूँ रिलेटिव लेआउट एंड यहाँ से आपको बैकग्राउंड भी सिलेक्ट करना होगा। तो मैं बैकग्राउंड सिलेक्ट कर देता हूँ। बैकग्राउंड आपको टाइप करना है खुद से, हैश ई सी एफ ज़ीरो एफ थ्री। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड सिलेक्ट हो चुका है। यहाँ से एक आपको इमेज व्यू लेना है एंड एक टेक्स्ट व्यू लेना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इमेज व्यू को सिलेक्ट करेंगे, इमेज व्यू। यहाँ से आपको विड्थ चूज करनी है 130 dpi एंड हाइट भी आपको सिलेक्ट करनी है 130 dpi। यहाँ से मैं बैकग्राउंड चूज कर देता हूँ। तो बैकग्राउंड आपको क्या सिलेक्ट करना होगा, मैं आपको लोगो दिखा देता हूँ सबसे पहले। एक ये जो लोगो है हमें इसी को यूज़ करना है, तो इसलिए मैं इसको कॉपी कर देता हूँ। मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जितने भी फाइल आपको शो हो रही है मैं आपको इसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपको अभी एंड्रॉइड स्टूडियो में आ जाना है, रिसोर्स पे क्लिक करना है, ड्रॉबल पे आना है एंड ये जो ड्रॉबल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर आपको पेस्ट कर देना है एंड ओके बटन पे क्लिक कर देना है। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पेस्ट हो चुके हैं एंड यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ @ ड्रॉबल लोगो के नेम से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ चुके हैं। इसको सेंटर में लेके आना, इसलिए हम क्या करेंगे, सेंटर इन पैरेंट का यूज करेंगे एंड इसको ट्रू पास कर देंगे। तो जैसे हम इसको ट्रू पास कर देंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं सेंटर में आ चुका है। ये तो अभी हमारा इमेज व्यू का कम्प्लीटली वर्क हो चुका है। अभी इसके नीचे एक टेक्स्ट व्यू यूज़ करना होगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से टेक्स्ट व्यू को सिलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट व्यू, विड्थ एंड हाइट आपको दे देने हैं, रैप कंटेंट, रैप कंटेंट एंड टेक्स्ट व्यू के आईडी भी आपको डिक्लेयर कर देने हैं, id@id, ऐप नेम, अगेन आपको यहाँ से एंटर करना है एंड जो टेक्स्ट व्यू है ये यहाँ पे आना चाहिए। तो इस यहाँ पे आना चाहिए, इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे, अलाइन पैरेंट बॉटम। तो मैं पैरेंट बॉटम यहाँ पे टाइप कर देता हूँ
एंड इसको ट्रू कर देंगे तो हमारा टेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं सबसे पहले आपको टेक्स्ट लेके दिखा देता हूँ। टेक्स्ट टेक्स्ट हमें क्या यूज़ करना है, लॉग इन ऐप दे देते हैं हम। आप कोई भी जो भी आपका ऐप का नेम रहेगा वो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो टेक्स्ट में। तो मैं यहाँ पे अभी फिलहाल लॉग इन ऐप दे देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लॉग इन ऐप शो रहा है जो कि हमने पैरेंट बॉटम यूज़ किए थे। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे सेंटर में लेके आना है, ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे सेंटर में लेके आना है। तो इसलिए आपको टाइप करना होगा सेंटर हॉरिजॉन्टल ट्रू। तो आप देख सकते हो सेंटर में आ चुका है। अभी आपको यहाँ से यहाँ तक लेके जाना है, इसलिए मार्जिन बॉटम हमें देना है 150 dp। तो मैं दे देता हूँ यहाँ से मार्जिन बॉटम 150 dp। इसके बाद आपको एंटर करना है एंड यहाँ से आपको एक कलर चूज करना होगा, टेक्स्ट कलर। तो टेक्स्ट कलर हम सबसे पहले वैल्यूज में चले जाते हैं एंड कलर डॉट एक्सएमएल में एक टेक्स्ट कलर क्रिएट कर लेते हैं। तो आपको क्या करना होगा, ऐसे कंट्रोल डी करना होगा। तो जैसे कंट्रोल डी करोगे तो डिक्टो यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। तो मैं इसका नाम दे देता हूँ टेक्स्ट कलर, यानी यहाँ से आपको टेक्स्ट कलर जो भी टेक्स्ट का कलर रहेगा वो आपको एंटर कर देना है। तो मैं टेक्स्ट कलर डाल देता हूँ #1935666। तो आप देख सकते हैं ये जो कलर है यही हमारा टेक्स्ट का कलर रहेगा। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ एक्टिविटी स्प्लैश स्क्रीन @color टेक्स्ट कलर, यहाँ से हमने चूज कर लिया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अच्छे से शो हो रहा है, बट यहाँ पे काफ़ी स्मॉल में शो हो रहा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसका टेक्स्ट साइज थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं 25 dp। अभी अच्छे से शो हो रहा है एंड टेक्स्ट स्टाइल भी थोड़ा अच्छे से बोल्ड करने के लिए हम इसको थोड़ा बोल्ड यूज़ कर लेंगे। तो टेक्स्ट स्टाइल आपको यूज़ करना है बोल्ड, ओके। तो आप देख सकते हो यहाँ पे टेक्स्ट भी अभी अच्छे से शो रहा है। तो अभी हमारा इमेज व्यू का भी वर्क हो गया है एंड टेक्स्ट व्यू का भी वर्क हो चुका है। अभी हमें क्या करना होगा, इसका जावा फाइल क्रिएट करना होगा। तो मैं आ जाता हूँ स्प्लैश स्क्रीन डॉट जावा में एंड यहाँ से हम हैंडलर का यूज़ करेंगे, क्योंकि स्प्लैश स्क्रीन में हैंडलर का यूज़ करना होता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ न्यू हैंडलर एंड इसके बाद आपको डॉट डे देना है एंड पोस्ट डिले यहाँ पे टाइप कर देना है एंड यहाँ पे मेथड यूज़ करना है न्यू रनेबल। तो जैसे रनेबल पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे खुद ब खुद मेथड आ चुकी है, ओके। तो मैं यहाँ पे कॉमा पास कर देता हूँ एंड यहाँ से आपको मिली सेकेंड भी डिफाइन करनी है कि कितने मिली सेकेंड के लिए हमारी स्प्लैश स्क्रीन रन होगी। तो यहाँ पे मैंने मिली सेकेंड पास कर दी है एंड यहाँ पे एरर शो हो रहा है, इसलिए मैं इसको क्लोज कर देता हूँ सेमी कॉलम से। यहाँ पे आपको इंटेंट यूज़ करना होगा कि हमें स्प्लैश स्क्रीन से हमें किस एक्टिविटी में जाना है। तो मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ इंटेंट स्टार्ट एक्टिविटी। तो आपको यहाँ पे लिखना है स्टार्ट एक्टिविटी को मैं सिलेक्ट कर देता हूँ एंड यहाँ से आपको पास करना है न्यू इंटेंट जिस एक्टिविटी में हो, मीन्स आप गेट अप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हो, कॉमा जिस एक्टिविटी में हमें जाना है। तो हमें कौन सी एक्टिविटी में जाना है, लॉगिन की एक्टिविटी में, इसलिए हम क्या पास करेंगे लॉगिन डॉट क्लास। बट यहाँ पे एरर शो हो रहा है, तो एरर इसलिए शो हो रहा है क्योंकि हमने कोई भी लॉगिन के नेम से एक्टिविटी क्रिएट की है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पे एरर शो हो रहा है। मैं यहाँ पे सबसे पहले फिनिश कर देता हूँ मेथड इम्प्लीमेंट, ओके। एंड ये जो लॉगिन नेम इसको कॉपी कर देता हूँ एंड हम आ जाते हैं पैकेज नेम की तरफ। यहाँ पे राइट न्यू एक्टिविटी पे सिलेक्ट करेंगे एम्प्टी एक्टिविटी एंड इसके बाद जो एक्टिविटी नेम है इसकी जगह हम लॉगिन जो हमने कॉपी किया था यहाँ पे पेस्ट कर देंगे एंड फिनिश बटन पे हम क्लिक करेंगे। तो सेम जैसे फिनिश पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ग्रेडल बिल स्टार्ट हो जाएगा। तो अगेन हमें वेट करना होगा थोड़ा सा ग्रेडल बिल फिनिश होने तक। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेडल बिल फिनिश हो चुका है। तो अभी हम क्या करते हैं स्प्लैश स्क्रीन डॉट जावा में चले जाते हैं। तो आप देख सकते हैं जो यहाँ पे लॉग इन एरर शो कर रहा था कम्प्लीटली रिजॉल्व हो चुका है। अभी मैं मोबाइल डिवाइस को कनेक्ट कर देता हूँ एंड्रॉइड स्टूडियो के साथ एंड हम रन करके देखेंगे कि हमारा ऐप सक्सेसफुली रन होता है क्या नहीं रन होता है, हम स्प्लैश स्क्रीन को चेक करेंगे। तो चलिए मैं जल्दी से कनेक्ट कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मोबाइल डिवाइस को कनेक्ट कर दिया है ओप्पो RMX811, ओके। तो अभी मैं रन ऐप पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे हम रन ऐप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ग्रेडल बिल्ड स्टार्ट हो चुका है। तो अगेन हमको वेट करना होगा ग्रेडल बिल्ड फिनिश होने तक एंड जैसे ग्रेडल बिल्ड फिनिश हो जाएगा तो हमारे मोबाइल डिवाइस में भी ऐप लॉन्च हो जाएगा। तो हम वेट करते तब तक।
तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैसेज आ चुका है ग्रेडल बिल्ड फिनिश इन 1 मिनट, एंड यहाँ पे भी शो रहा है इंस्टॉलिंग प्रोसेस। आप देख सकते हो यहाँ पे लॉन्च सक्सेस का मैसेज आ चुका है, एंड हमारे मोबाइल डिवाइस में भी अभी ऐप लॉन्च हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो स्प्लैश स्क्रीन रन हो चुकी है, बट यहाँ पे ऊपर में टूल बार में लॉग इन एंड रजिस्टर शो हो रहा है। तो इसको रिमूव करने के लिए आपको क्या करना होगा, थीम में आना होगा, थीम डॉट एक्सएमएल पे क्लिक करना होगा, या जो डार्क एक्शन बार शो रहा है आपको, तो इसकी जगह आपको क्या टाइप करना होगा, नो एक्शन बार। एंड ये जो सेकंड में दिखाई दे रहा है थीम डॉट एक्सएमएल, यहाँ पे भी आपको डार्क एक्शन बार की जगह नो एक्शन बार आपको राइट करना होगा। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ नो एक्शन बार, एंड यहाँ पे जो रन का सिंबल है वहाँ पे आपको अगेन क्लिक करना होगा। तो जैसे हम रन करेंगे अगेन आपको ग्रेडेड बिल्ड फिनिश होने तक वेट करना होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रेडेड बिल्ड फिनिश हो चुका है, एंड यहाँ पे इंस्टॉलिंग की प्रोसेस अभी स्टार्ट हो चुकी है, मीन्स थोड़ी देर में हमारे मोबाइल डिवाइस में ऐप लॉन्च हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लॉग इन ऐप अच्छे से शो रहा है स्प्लैश स्क्रीन भी, एंड ऊपर में टूल बार में भी लॉग इन एंड रजिस्ट्रेशन पेज शो नहीं हो रहा है। तो आई होप अभी हमारा कम्प्लीटली स्प्लैश स्क्रीन का वर्क हो चुका होगा। तो प्रीवियस वीडियो में हमने स्प्लैश स्क्रीन को क्रिएट किए थे, इस वीडियो में हम लॉगिन पेज को क्रिएट करने वाले हैं। तो लॉगिन पेज को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम इसका एक्सएमएल फाइल क्रिएट करने वाले हैं। तो आपको आना होगा लेआउट में, एंड एक्टिविटी लॉगिन डॉट एक्सएमएल पे आपको क्लिक करना होगा, एंड स्प्लिट जो बटन है यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। ये जो कंस्ट्रेंट लेआउट है हम इसको चेंज कर देते हैं रिलेटिव लेआउट में। तो मैं यहाँ पे रिलेटिव लेआउट सिलेक्ट कर देता हूँ, एंड यहाँ से आपको बैकग्राउंड भी सिलेक्ट करना होगा। तो मैं बैकग्राउंड जो हमने स्प्लैश स्क्रीन में यूज़ किए थे वही स्प्लैश स्क्रीन को मैं जैसे के वैसे कॉपी कर देता हूँ। तो कंट्रोल सी से आपको कॉपी करना होगा, एंड एक्टिविटी लॉगिन डॉट एक्सएमएल में इसको पेस्ट करना होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से लीनियर लेआउट को सिलेक्ट कर लेंगे। विड्थ आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा मैच पेरेंट, एंड हाइट भी आपको सिलेक्ट करना होगा रैप कंटेंट। मैं आईडी डिफाइन कर देता हूँ लीनियर लेआउट के, आईडी @ID। तो यहाँ पे एरर शो हो रहा है, तो इसलिए अच्छे से हमें टाइप करना होगा @ID, एंड यहाँ से हम दे देंगे लॉग इन टॉप हेडर, इसका नेम दे देंगे हम। इसके बाद आपको यहाँ से एंटर करना होगा, एंड इसको तो हम पहले सेंटर में लेके जाएंगे, इसलिए हम टाइप करेंगे ग्रेविटी सेंटर। ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल दे देंगे हम ओरिएंटेशन। ओके, इसके बाद अगेन आपको एंटर करना होगा, एंड इस लीनियर लेआउट को आपको क्लोज करना होगा। जो यहाँ पे ओरिएंटेशन है ये यहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टल सिलेक्ट कर दिए, क्योंकि हमें एक इमेज व्यू एंड एक टेक्स्ट व्यू यहाँ से सिलेक्ट करना है। ओके, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं आप यहाँ से इमेज व्यू को ले लेता हूँ, एंड इसकी विड्थ एंड हाइट हम 100 dp डिफाइन कर देंगे। एंड यहाँ से बैकग्राउंड भी सिलेक्ट कर लेंगे, तो मैं बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेता हूँ लोगो @Rawal लोगो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आ चुका है लोगो, एंड यहाँ से आपको एंटर करना होगा, एंड इसको हम क्लोज कर देते हैं क्योंकि हमारा इमेज व्यू का वर्क हो चुका है। इसके नीचे हम टेक्स्ट व्यू को भी सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें इसके बाजू में एक टेक्स्ट व्यू चाहिए, एंड इसकी ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल रखी थी, इसलिए खुद ब खुद टेक्स्ट व्यू यहाँ पे आ जाएगा। तो हम टेक्स्ट व्यू विड्थ डिफाइन कर देते हैं रैप कंटेंट, एंड हाइट भी हम डिफाइन करेंगे रैप कंटेंट। मैं फॉन्ट फैमिली यूज कर लेता हूँ यहाँ से, फॉन्ट फैमिली आपको सैंस सेरिफ थीन जो नीचे आपको शो रही है इसको ही सिलेक्ट कर लेना। ओके, तो अभी मैं टेक्स्ट दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे टाइप करके, क्योंकि यहाँ पे शो नहीं हो रहा है हमारा टेक्स्ट। तो मैं दे देता हूँ यहाँ पे लॉग इन ऐप, जो भी आपका ऐप का नेम यहाँ पे टाइप कर सकते हो, या फिर जो भी आपको बेटर लगे आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे शो रहा है लॉग इन ऐप। तो मैं यहाँ से अभी टेक्स्ट कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ, जो भी आपको बेटर लगे टेक्स्ट कलर @TextColor जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में क्रिएट किया था। ओके, एंड टेक्स्ट साइज इंक्रीज कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अच्छे से शो नहीं हो रहा है, इसलिए टेक्स्ट साइज हम दे देंगे 35 SP। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टेक्स्ट साइज शो हो रहा है। तो अभी मैं टेक्स्ट व्यू को क्लोज कर देता हूँ। तो अभी हमें क्या करना होगा, अगेन एक इमेज व्यू इम्प्लीमेंट करना होगा इसके नीचे। तो मैं आ जाता हूँ लीनियर लेआउट के नीचे, तो मैं इमेज व्यू टाइप कर देता हूँ यहाँ पे इमेज व्यू। विड्थ हम दे देंगे मैच पेरेंट, एंड हाइट भी दे हम दे देंगे रैप कंटेंट। सबसे पहले तो आपको इमेज व्यू को आईडी डिफाइन करनी होगी, आईडी
एट द रेट आई डी इमेज बॉटम, इसकी मैं आईडी दे देता हूँ। इसके बाद आपको लेआउट बिलो करना है, किसके नीचे रहेगी ये, तो वो लेआउट बिलो रहेगी, दो मिनट में इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, हमारी रहेगी इस लीनियर लेआउट के नीचे। तो लीनियर लेआउट की हमने क्या आईडी डिफाइन की थी, टॉप हेडर एट द रेट आईडी, सॉरी टॉप हेडर आपको अच्छे से सिलेक्ट करना है, लॉग इन टॉप हेडर। तो आप देख सकते हैं ये जो इमेज हुई है लीनियर लेआउट के नीचे आ जाएगी। तो यहाँ से हमें बैकग्राउंड भी सिलेक्ट करना होगा, जो भी हमें इमेज भी इम्प्लीमेंट करनी है यहाँ पे। तो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये इमेज भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो मैं इसको अभी तो कॉपी कर देता हूँ एंड प्रोजेक्ट में इसको पेस्ट कर देता हूँ। ड्रॉबल कंट्रोल वी करना है यहाँ पे एंड ओके पे क्लिक करना है, नियम आपको सेम रखना है, ओके पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आ चुकी है, एंड यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ जो भी हमारी इमेज रहेगी, बैकग्राउंड बॉटम। तो देख सकते हो यहाँ पे अच्छे से हमारी इमेज भी शो हो रही है। अभी हमें इसको क्लोज कर देना है क्योंकि हमारा कम्प्लीटली वर्क हो चुका है इमेज व्यू का भी। अभी हम क्या करेंगे, एक लीनियर लेआउट लेंगे जिसमें हम वेलकम एंड लेट्स गेट स्टार्टेड का टेक्स्ट भी इम्प्लीमेंट करेंगे, दो बटन। ओके, तो हम आ जाते हैं इमेज व्यू के नीचे एंड यहाँ पे एक अच्छी सी लीनियर लेआउट क्रिएट कर लेंगे। यहाँ से आपको विड्थ एंड हाइट रैप कंटेंट दे देनी है। तो हमने लीनियर लेआउट की विड्थ एंड हाइट डिफाइन कर दी है। अभी हमें क्या करना है, ये लेआउट बिलो सिलेक्ट करना है, ये लीनियर लेआउट किसके नीचे चाहिए, तो हम लेआउट बिलो सिलेक्ट करेंगे इमेज व्यू के नीचे। तो हमने इमेज व्यू की क्या आईडी डिफाइन की थी, इमेज बॉटम, तो वही आपको यहाँ पे टाइप कर देने हैं, इमेज बॉटम, एंड यहाँ से आपको एंटर करना है। एंड ओरिएंटेशन आपको क्या सिलेक्ट करना है, वर्टिकल। एंड विजिबिलिटी आपको सिलेक्ट करनी है, विजिबल। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने लीनियर लेआउट को कम्प्लीटली क्रिएट कर दिया। अभी लीनियर लेआउट को मैं क्लोज कर देता हूँ एंड इसके अंदर हम दो टेक्स्ट व्यू को सिलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ से टेक्स्ट व्यू सिलेक्ट कर देता हूँ, विड्थ आपको रैप कंटेंट देनी है एंड हाइट भी आपको रैप कंटेंट देनी है। ओके, इसके बाद आपको मार्जिन स्टार्ट, तो मार्जिन स्टार्ट आपको 10 dpi देनी है क्योंकि हमारा जो टेक्स्ट व्यू रहेगा वो 10 dpi के स्टार्टिंग में रहेगा। ओके, एंड यहाँ से मार्जिन टॉप भी दे देते हैं। मार्जिन टॉप इसलिए देते हैं हम क्योंकि हमारा जो टेक्स्ट व्यू रहेगा इसके थोड़ा डिफरेंस रहना चाहिए। ओके, एंड इसके बाद हम टेक्स्ट डिफाइन कर देंगे। यहाँ से टेक्स्ट आपको क्या टाइप करना है, वेलकम। तो मैं यहाँ से वेलकम दे देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे टेक्स्ट शो हो रहा है, बट यहाँ पे अच्छे से शो नहीं हो रहा है, तो इसलिए मैं टेक्स्ट कलर सबसे पहले डिफाइन कर देता हूँ, एट द रेट टेक्स्ट कलर। एंड इसके बाद हम टेक्स्ट साइज थोड़ा इंक्रीज कर देंगे, 40 sp। तो आप देख सकते हो वेलकम अभी अच्छे से शो हो रहा है। एंड इसको हम थोड़ा बोल्ड कर देंगे, टेक्सटाइल बोल्ट। तो देख सकते हो अभी हमारा कम्प्लीटली टेक्स्ट भी अच्छे से शो हो रहा है। इसके नीचे अगेन हम एक टेक्स्ट भी इम्प्लीमेंट करेंगे जिसमें लेट्स गेट स्टार्टेड का यूज करेंगे एंड ओरिएंटेशन हमने वर्टिकल चूज की है, इसलिए इसके नीचे खुद ब खुद टेक्स्ट आ जाएगा। तो मैं यहाँ से टेक्स्ट को सिलेक्ट कर देता हूँ, टेक्स्ट व्यू, एंड विड्थ हम रैप कंटेंट दे देंगे, जो ऊपर में जैसे हमने टेक्स्ट को यूज किए थे वही टेक्स्ट, रैप कंटेंट। एंड यहाँ से आपको क्या करना है, मार्जिन स्टार्ट जो हमने ऊपर में दिए थे लेआउट मार्जिन स्टार्ट वही हम यूज करेंगे, 10 dpi। एंड टेक्स्ट में आपको क्या टाइप करना है, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे से शो हो रहा है। सेम हमने जो टेक्स्ट कलर एंड टेक्स्ट साइज यहाँ पे इम्प्लीमेंट किए थे वही आपको यूज़ करना है वहाँ पे। तो मैं जैसे कि वैसे यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ, आप टाइप भी कर सकते हो, एंड टेक्स्ट साइज थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा इसलिए मैं 20 sp कर देता हूँ। तो अभी अच्छे से शो हो रहा है लेट्स गेट स्टार्टेड का। ओके, तो अभी क्या करना है, इस लीनियर लेआउट को आपको क्लोज कर देना है। तो जो भी हम टाइप करेंगे इस लीनियर लेआउट के नीचे टाइप करेंगे। ओके, तो अभी हमें क्या करना होगा, एक लॉगिन पेज का जो ईमेल एंड पासवर्ड होता है वही यहाँ पे एडेड टेक्स्ट यूज करना होगा, बट हमारा फॉन्ट अच्छे से होना चाहिए इसलिए हम क्या करेंगे, एक डिपेंडेंसी को पेस्ट करेंगे। तो वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में आपको डिपेंडेंसी दे दूंगा, वहां से आप कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हो। तो मैं इस डिपेंडेंसी को भी फिलहाल कॉपी कर देता हूँ,
कंट्रोल सी से कॉपी कर लेता हूँ, ग्रेडल स्क्रिप्ट में आ जाता हूँ, बिल्ड डॉट ग्रेडल में आ जाता हूँ, एंड यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ओके, एंड इसके बाद अगेन आपको इसमें आना है, एंड ये डिपेंडेंसी जो दिखाई दे रही है इसको आपको जैसे के वैसे कंट्रोल सी से कॉपी करना है, प्रोजेक्ट में आ जाना है। एंड इसके बाद ये जो सेटिंग डॉट ग्रेडल है यहाँ पे इसके नीचे आपको आ जाना है, अगेन यहाँ पे एंटर करते जाना है, एंड यहाँ पे जो हमने कोड कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, अभी हमारा कम्प्लीटली वर्क हो चुका है जो भी हमारा डिपेंडेंसी का था। अभी हमें इंटरनेट को ऑन करना होगा क्योंकि ये जो सिंक नाउ प्रोसेस है इसको इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होती है, तो मैं जल्दी से इंटरनेट को कनेक्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने इंटरनेट को अभी कनेक्ट कर दिया है, तो अभी मैं सिंक नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे हम सिंक नाउ पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रेडल प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है, तो हमें वेट करना होगा अगेन ग्रेडल बिल्ड फिनिश होने तक। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रेडल बिल्ड फिनिश हो चुका है, अभी मैं इंटरनेट को डिसकनेक्ट कर देता हूँ क्योंकि हमें इंटरनेट का कोई भी वर्क नहीं है। एंड अभी आपको क्या करना है, एक्टिविटी लॉगिन डॉट एक्सएमएल में आ जाना है, क्योंकि अभी हमारा जो भी डिपेंडेंसी था वो कम्प्लीटली पेस्ट हो चुका है। तो मैं लिनियर लेआउट के नीचे आ जाता हूँ, एंड हमें यहाँ से सिलेक्ट करना होगा कार्ड व्यू, तो मैं यहाँ से कार्ड व्यू को सिलेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ से मैंने कार्ड व्यू सॉरी यहाँ से कार्ड व्यू नॉर्मल कार्ड व्यू सिलेक्ट नहीं करना है, तो हमें जो डिपेंडेंसी यूज़ की है हमने आपको दिखा देता हूँ, ये जो हमने डिपेंडेंसी यूज़ की है न्यू मॉर्फिज्म वही हमें कार्ड व्यू का यूज़ करना होगा यहाँ पे। तो हमें लीनियर लेआउट के नीचे नहीं आना है क्योंकि इसके नीचे ही हमारा जो भी रहेगा एडिट टेक्स्ट रहेगा। ओके, तो इसलिए हम क्या करेंगे टेक्स्ट व्यू के नीचे आ जाते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे एरर शो हो रहा है जो भी टेक्स्ट व्यू इसको क्लोज कर देता हूँ, एंड यहाँ पे मैं कार्ड व्यू को सिलेक्ट कर देता हूँ। एंड कार्ड व्यू हमें कौन सा सिलेक्ट करना है, तो नॉर्मल सिलेक्ट नहीं करना है, तो ये जो आपको थर्ड में दिखाई दे रहा है कार्ड व्यू इसको ही आपको सिलेक्ट करना है। तो मैं एंटर कर देता हूँ, यहाँ से आपको विड्थ एंड हाइट आपको मैच पैरेंट दे देनी है, तो मैं हाइट रैप कंटेंट दे देता हूँ, मैच पैरेंट आपको नहीं देनी है। इसके बाद अगेन आपको एंटर करना है, एंड मार्जिन हॉरिजेंटल आपको यूज करनी है, तो लेआउट मार्जिन हॉरिजेंटल कितना यूज करेंगे हम 10 dp, यानी मार्जिन टॉप हमें क्योंकि टेक्स्ट व्यू के नीचे चाहिए तो मार्जिन टॉप हम मिनिमम 10 dp, शेप टाइप यहाँ से आपको प्रेस को सिलेक्ट कर देना है। ओके, तो आप देख सकते हो अभी हमारा हो चुका है वर्क जो भी कार्ड व्यू का था। अभी हमें इस कार्ड व्यू में एडिट टेक्स्ट को स्किल सिलेक्ट करना होगा, तो मैं सिलेक्ट कर देता हूँ एडिट टेक्स्ट को, मैच पैरेंट, हाइट आपको दे देनी है रैप कंटेंट, एंड यहाँ से आपको आईडी दे देनी है id@id, ईमेल। इसके बाद आपको यहाँ से बैकग्राउंड सिलेक्ट करना होगा, तो मैं यहाँ से बैकग्राउंड को चूज कर लेता हूँ @android, कलर ट्रांसपेरेंट। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने एडिट टेक्स्ट को सिलेक्ट कर दिया। इसके बाद आपको क्या करना है, हिंट प्रोवाइड कर देनी है, तो मैं हिंट प्रोवाइड कर देता हूँ @hint, ईमेल। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ईमेल शो हो रहा है, एंड इसके बाद हम इमेज ऑप्शन भी सिलेक्ट कर देते हैं, तो इमेज ऑप्शन आपको क्या सिलेक्ट करना है, एक्शन टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक्शन नेक्स्ट को सिलेक्ट कर देता हूँ, एंड इनपुट टाइप भी आपको सिलेक्ट कर लेना है जो भी हमारा टेक्स्ट ईमेल एड्रेस होता है, जैसे कि कोई एडिट टेक्स्ट में ऑलरेडी डिफाइन होता है ईमेल एड्रेस की जगह। ओके, तो वही हमने इनपुट टाइप यूज कर दिए। यहाँ से मैं पैडिंग को भी डिफाइन करना होगा, तो मैं पैडिंग दे देता हूँ 15 dp, एंड इसके बाद इस कार्ड व्यू को क्लोज कर देना है जो कि हमने ऑलरेडी कर लिया है। ओके, तो आप देख सकते हो अभी हमारा कम्प्लीटली ईमेल का वर्क तो हो चुका है, बट यहाँ पे ईमेल अच्छे से शो नहीं हो रहा है, तो इसको कम्प्लीटली यहाँ तक शो करने के लिए आपको स्क्रॉल करना होगा, एंड ये जो टॉप में हमने लीनियर लेआउट यूज़ किए यहाँ पे हमें जो विड्थ है वो पूरी मैच पैरेंट दे देनी है।
तो आप देख सकते हो जैसे हमने मैच पर एंड दे दिया है, तो यहाँ पे ईमेल सक्सेसफुली अच्छे से शो हो रही है। तो मैं इसको स्क्रॉल कर देता हूँ एंड इसके नीचे मैं आ जाता हूँ एंड जो हमने ईमेल के लिए कार्ड व्यू सिलेक्ट किया था वही सेम हमें पासवर्ड के लिए सिलेक्ट करना होगा। तो मैं ऐसे सिलेक्ट कर देता हूँ कार्ड व्यू एंड ये जो थर्ड में है इसी को आपको सिलेक्ट करना होगा। विड्थ आपको सेम मैच पर एंड दे देनी है एंड हाइट भी आपको रैप कंटेंट दे देनी है। ऐसे यहाँ से मैं इसको स्टाइल सिलेक्ट कर देता हूँ। तो स्टाइल आपको क्या सिलेक्ट करनी है, जो हमने कार्ड भी यूज किया है विजिट न्यू मोर्फ कार्ड भी, तो इसको आप कॉपी करना होगा एंड ये जो स्टाइल है यहाँ पे भी हम इस स्टाइल को पेस्ट कर देते हैं जो कि हमने ईमेल के कार्ड व्यू को क्रिएट किया था। ओके एंड इसको आपको स्क्रॉल करना होगा एंड इसके नीचे आ जाना आपको रैप कंटेंट के नीचे। अभी हमें क्या करना है, लेआउट मार्जिन हॉरिजेंटल यूज करना है। तो मैं दे देता हूँ यहाँ से लेआउट मार्जिन हॉरिजेंटल 10 dpi एंड यहाँ पे मार्जिन टॉप आपको थोड़ी चेंज करनी होगी 5 dpi एंड हम सेव टाइप जो ऊपर में टाइप किए थे हमने प्रेस वही आपको सिलेक्ट करनी है एंड इसको एंटर कर देना है। ओके एंड जैसे हमने यहाँ पे एडिट टेक्स्ट यूज किया था वही सेम हमें यहाँ पर करना होगा, एडिट टेक्स्ट का यूज करना होगा। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ एडिट टेक्स्ट। तो यहाँ से आपको विड्थ एंड हाइट आप भी प्रोवाइड कर देने हैं, बट यहाँ पे जो हमने एडिट टेक्स्ट यूज किया है ये नॉर्मल यूज किया है। जब हम पासवर्ड लेते हैं किसी भी यूजर से तो हम एडिट टेक्स्ट नॉर्मल वाला यूज नहीं कर सकते हैं, एक डिफाइन होता है जो कि टेक्स्ट इनपुट एडिट टेक्स्ट होता है उसी को ही हमें एंटर करना होता है। ओके तो मैं यहाँ से विड्थ दे देता हूँ मैच पैरेंट एंड हाइट प्रोवाइड कर देंगे रैप कंटेंट एंड हम आईडी डिफाइन कर देंगे id@id पासवर्ड। इसके बाद आपको एंटर करना है अगेन एंड यहाँ से आपको बैकग्राउंड भी सिलेक्ट करना होगा जो कि हमने टॉप एडिट टेक्स्ट में यूज किया था @android कलर ट्रांसपेरेंट। इसके बाद अगेन आपको एंटर करना है एंड यहाँ से आपको बैकग्राउंड राइट सिलेक्ट करना होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ बैकग्राउंड राइट क्यों हमें सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि ये जो पासवर्ड होता है यहाँ पे एक ड्रॉबल होता है मीन्स विजिबिलिटी ऑफ एंड ऑन का, वही हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ओके तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर देता हूँ ड्रॉबल राइट। ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं दोनों भी प्रोवाइड कर दूंगा, ये जो इमेजेस है तो मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, प्रोजेक्ट में आ जाता हूँ, ड्रॉबल में इसको पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल वी से एंड ओके बटन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। ओके एंड ये जो ड्रॉबल राइट है यहाँ से आपको डिफाइन कर देनी है @drawable एंड यहाँ से आपको क्या सिलेक्ट करना है, जो हमने अभी अभी पेस्ट किया एज ई विजिबिलिटी ऑफ। ओके तो अभी हम हिंट प्रोवाइड कर देते हैं हिंट एंड यहाँ से आपको हिंट में प्रोवाइड कर देना है पासवर्ड, अगेन आपको एंटर करना होगा एंड यहाँ से इनपुट टाइप को भी टाइप करना होगा। तो इनपुट टाइप हम टेक्स्ट पासवर्ड सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हमें यूजर से पासवर्ड लेना है। ओके एंड कोई भी यूजर पासवर्ड को कॉपी नहीं कर सके इसलिए हम क्या करेंगे लॉन्ग क्लिकेबल फॉल्स यूज कर लेंगे एंड पैडिंग आपको क्या यूज करना है 15 dpi। तो आप देख सकते हो हमने यहाँ पे कम्प्लीटली ईमेल एंड पासवर्ड दोनों को भी इम्प्लीमेंट कर दिया। ओके तो अभी हमें जाना है नेक्स्ट स्टेप में, मीन्स हमें बटन इम्प्लीमेंट करना होगा। आप देख सकते हैं क्योंकि हमें ईमेल एंड पासवर्ड का तो वर्क हो चुका है जो भी एडिट टेक्स्ट होते हैं, अभी हमें एक बटन यूज करना होगा लॉग इन के नेम से। तो मैं आ जाता हूँ इसके नीचे कार्ड व्यू के नीचे एंड यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा लॉग इन बटन, सॉरी बटन ही हम टाइप करेंगे। तो यहाँ पे काफ़ी सारे बटन आपको शो रही होंगे तो इसमें से आपको यही सिलेक्ट करना है। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे हमने कार्ड भी यहाँ पे सिलेक्ट किया था न्यू मॉर्फिज्म का वही हमें इसको बटन के लिए भी सेम सिलेक्ट करना होगा। तो मैं यहाँ से विड्थ दे देता हूँ 250 dpi एंड हाइट आपको दे देना है रैप कंटेंट। इसकी आईडी भी मैं डिफाइन कर देता हूँ @id लॉग इन बटन
ये होने के बाद आपको ग्रेविटी भी सिलेक्ट करना होगा, तो मैं ग्रेविटी सिलेक्ट कर देता हूँ, सेंटर हॉरिजॉन्टल एंड मार्जिन टॉप आपको सिलेक्ट करना होगा 10 dpm। एंड यहाँ से आपको टेक्स्ट दे देनी है लॉगिन, तो अभी मैं दे देता हूँ टेक्स्ट ऑल कैप्स, फॉल्स हमें प्रोवाइड करना है क्योंकि हमें सिर्फ लॉगिन अच्छे से शो कर रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे लॉगिन खुद ब खुद आ रहा है, तो अभी हमें क्या करना है, टेक्स्ट कलर प्रोवाइड कर देना है, टेक्स्ट कलर एट द रेट टेक्स्ट कलर, ओके। एंड इसके बाद हमें लास्ट टेक्स्ट साइज सिलेक्ट करनी है 16 SP। एंड शेप टाइप हम जैसे ऊपर में फ्लैट यूज किए थे वही शेप टाइप हमें यूज करना होगा, फ्लैट। एंड इसके क्लोज कर देना, बट यहाँ पे अच्छे से शो नहीं हो रहा है क्योंकि हमने एक चीज की ही नहीं यहाँ पे, स्टाइल। हमें स्टाइल कौन सी सिलेक्ट करनी है, जो हमने ऊपर में कार्ड व्यू सिलेक्ट किया था, बट ये बटन है इसलिए हमें इस स्टाइल को सिलेक्ट करना होगा। तो जैसे आप इसको सिलेक्ट करोगे तो आप देख सकते हो यार लॉगिन यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सिलेक्ट तो हो चुका है बटन, बट यहाँ पे सेंटर में नहीं है जो लॉगिन टेक्स्ट है। तो इसको सेंटर में लाने के लिए हमने ग्रेविटी क्या किया है, सेंटर हॉरिजॉन्टल सिलेक्ट किया है, बट हमें ग्रेविटी नहीं सिलेक्ट करनी है, लेआउट ग्रेविटी हमें सिलेक्ट करनी है। तो मैं यहाँ पे लेआउट ग्रेविटी को सिलेक्ट कर देता हूँ एंड ये जो ग्रेविटी है इसको रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे हम टाइप करेंगे सेंटर हॉरिजॉन्टल, तो आप देख सकते हो अभी अच्छे से इम्प्लीमेंट हो चुका है, ओके। तो अभी हमें एक यूज करना होगा दो टेक्स्ट व्यू यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे साइन अप का पेज का साइन होता है, जैसे कहाँ पे भी ईमेल पे जाओगे ईमेल पासवर्ड एंटर करने के लिए बोलता है। अगर किसी भी यूजर का ऑलरेडी अकाउंट नहीं है तो एक साइन अप का यहाँ ऑप्शन होता है, तो वही हमें टेक्स्ट व्यू क्रिएट करना होगा। तो इस टेक्स्ट व्यू को क्रिएट करने के लिए हम लीनियर लेआउट का यूज करेंगे, तो हमें आ जाना है इस टेक्स्ट व्यू के नीचे, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ लीनियर लेआउट। एंड यहाँ से मैं विड्थ सिलेक्ट कर लेता हूँ मैच पेरेंट, एंड हाइट दे देता हूँ रैप कंटेंट। यहाँ से अगेन आपको एंटर करना है, यहाँ से आपको मार्जिन टॉप दे देनी है 15 dpm। एंड यहाँ से आपको ग्रेविटी सिलेक्ट कर लेनी है, तो मैं यहाँ से दे देता हूँ ग्रेविटी आपको सिलेक्ट करनी है, ना कि लेआउट ग्रेविटी। एंड यहाँ से आपको ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल सिलेक्ट करना है। ओरिएंटेशन हमने क्यों हॉरिजॉन्टल सिलेक्ट किया है, क्योंकि हमें ये जो टेक्स्ट व्यू है यहाँ पे इसके साइड में एक टेक्स्ट व्यू चाहिए, ओके। तो इसलिए हमने इसको हॉरिजॉन्टल सिलेक्ट कर दिया। तो मैं लीनियर लेआउट की आईडी भी डिफाइन कर देता हूँ, एट द रेट आईडी लॉग इन बटन साइन अप, ओके। तो हमने इसकी आईडी भी डिफाइन कर दी है। अभी हमें यहाँ पे दो टेक्स्ट व्यू सिलेक्ट करना होगा, तो मैं सबसे पहले फर्स्ट टेक्स्ट व्यू सिलेक्ट कर देता हूँ, इसकी विड्थ हम दे देंगे रैप कंटेंट एंड हाइट हम दे देंगे रैप कंटेंट। एंड यहाँ से हम टेक्स्ट प्रोवाइड कर देंगे डोंट हैव एन अकाउंट के नेम से। इसके बाद आपको यहाँ से टेक्स्ट कलर भी डिफाइन करना होगा क्योंकि यहाँ पे अच्छे से शो नहीं हो रहा है टेक्स्ट कलर, तो आप देख सकते हो यहाँ पे अच्छे से शो हो रहा है। तो इस टेक्स्ट व्यू का हमारा वर्क हो चुका है, तो इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ। अगेन हमें एक टेक्स्ट व्यू क्रिएट करनी होगी इसके बाजू में साइन अप के नेम से, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ टेक्स्ट व्यू, विड्थ आपको प्रोवाइड कर देने हैं रैप कंटेंट एंड हाइट आपको प्रोवाइड कर देने हैं रैप कंटेंट। एंड यहाँ से आपको टेक्स्ट प्रोवाइड कर देना है साइन अप, ओके। एंड यहाँ से आपको सेम टेक्स्ट कलर प्रोवाइड कर देना है, जैसे ऊपर में हमने टेक्स्ट कलर प्रोवाइड किया था वही सेम हमें करना है, एट द रेट टेक्स्ट कलर। एंड इसकी टेक्स्ट व्यू की हम आईडी डिफाइन कर देंगे क्योंकि इस पर कोई क्लिक करेगा तो वो साइन अप के पेज में जाना चाहिए, इसलिए हम आईडी डिफाइन करना जरूरी है, एट द रेट आईडी क्रिएट टेक्स्ट वन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने टेक्स्ट व्यू को डिफाइन कर दिया। अभी हमें क्या करना है, एक लीनियर लेआउट यूज करना होगा क्योंकि हमें यहाँ पे एक प्रोग्रेस बार शो होना चाहिए, जैसे कोई लॉगिन पे क्लिक कर देता है, ओके।
तो यहाँ पे एक प्रोग्रेस बार शो होना चाहिए, तो इसलिए हम क्या करेंगे, नीचे स्क्रॉल करते इसको, हमने टेक्स्ट व्यू को क्लोज नहीं किया इसलिए इसको हम क्लोज कर देंगे। अभी हमें इस लीनियर लेआउट के नीचे आना है। ओके, तो इस लीनियर लेआउट के नीचे आ जाता हूँ मैं, एंड यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ प्रोग्रेस बार। तो प्रोग्रेस बार हम डायरेक्ट टाइप नहीं करेंगे, क्लीनर लेआउट को क्रिएट करेंगे जिसमें हम प्रोग्रेस बार को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लीनियर लेआउट यूज कर दिया है। विड्थ हम यहाँ से दे देंगे मैच करेंट, एंड हाइट आपको दे देनी है रैप कंटेंट। इसके बाद आपको एंटर करना होगा, यहाँ से आपको मार्जिन टॉप दे देनी है 85 DPI। ओके, तो 85 DPI ज्यादा हो चुका है, सॉरी, यहाँ पे हमने 5 DPI सिलेक्ट करना होगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे दे दिया मार्जिन टॉप 5 DPI, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस रहना चाहिए हमारा 5 DPI। ग्रेविटी हम दे देंगे, तो आपको ग्रेविटी सिलेक्ट करना है ना कि लेआउट ग्रेविटी। ओके, ग्रेविटी हमने दे दी है सेंटर, एंड ओरिएंटेशन हमें क्या प्रोवाइड करना होगा, हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन। आप वर्टिकल भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर हॉरिजॉन्टल भी, क्योंकि हमें एक ही प्रोग्रेस बार को क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ हॉरिजॉन्टल, एंड इसके अंदर मैं प्रोवाइड कर देता हूँ प्रोग्रेस बार को। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे प्रोग्रेस बार, एंड यहाँ से हमें विड्थ एंड हाइट प्रोवाइड कर देने रैप कंटेंट। रैप कंटेंट मैं आईडी डिफाइन कर देता हूँ प्रोग्रेस बार के सबसे पहले। तो आपको आप यहाँ पे आ जाना है, एंड यहाँ पे आईडी डिफाइन, एंड यहाँ पे आईडी डिफाइन कर देंगे @ID प्रोग्रेस बार। एंड यहाँ से आपको स्टाइल भी सिलेक्ट करनी होगी, तो स्टाइल में हम क्या करेंगे, प्रोग्रेस बार स्टाइल को सिलेक्ट कर लेंगे स्टाइल, क्वेश्चन मार्क प्रोवाइड करना आपको, एंड यहाँ से सिलेक्ट करना आपको प्रोग्रेस बार स्टाइल। बार स्टाइल तो आप देख सकते हैं यहाँ पे शो हो रहा है प्रोग्रेस बार स्टाइल। तो जैसे हमने स्टाइल को सिलेक्ट कर दिया है यहाँ पे शो हो रहा है। ओके, बट यहाँ पे हमें एक स्टाइल डिफरेंट सिलेक्ट करना था। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के बाद एक एंड्रॉइड करके होता है, तो मैं इसको सबसे पहले रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे एंड्रॉइड, स्टार्टिंग में क्वेश्चन मार्क इंप्लीमेंट कर देंगे, एट्रीब्यूट यहाँ से आपको जो नेक्स्ट में दिखाई दे रहा है एट्रीब्यूट प्रोग्रेस बार स्टाइल, वही आपको सिलेक्ट करना है। तो आप देख सकते हैं जैसे हमने इसको सिलेक्ट किया तो अगेन यहाँ पे प्रोग्रेस बार आ चुका है। तो अभी हम इसकी विजिबिलिटी इनविजिबल कर देते हैं। ओके, क्योंकि जब लॉगिन पेज शो होता है तब ये तो इनविजिबल ही होता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसकी विजिबिलिटी इनविजिबल। तो आप देख सकते हो अभी मैंने इसकी विजिबिलिटी इनविजिबल कर दी है। अभी हमारा कम्प्लीटली इसका वर्क हो चुका है, तो मैं इसको प्रोग्रेस बार को क्लोज कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो जो भी हमारा लॉगिन पेज का XML का पार्ट था वो कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट हो चुका है। यहाँ पे हमने एक लिनियर लेआउट क्रिएट की जहाँ पे हमने इमेज व्यू एंड टेक्स्ट व्यू को इम्प्लीमेंट किया था, एंड इसकी ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल इम्प्लीमेंट की थी। इसके नीचे अगेन हमने एक इमेज व्यू को सिलेक्ट किए थे जहाँ से हमने बैकग्राउंड को सिलेक्ट किए थे। ओके, एंड एक पूरी इसके लिए एक लिनियर लेआउट लिए थे जिसके हमने ओरिएंटेशन वर्टिकल सिलेक्ट की, जिसमें हमने टेक्स्ट इंप्लीमेंट किया, टेक्स्ट इंप्लीमेंट किया, एंड सेम हमने यहाँ पे एक कार्ड व्यू लिया जिसमें एडिट टेक्स्ट लिया। ओके, एंड यहाँ पे भी एक कार्ड व्यू लिया जिसमें टेक्स्ट इनपुट एडिट टेक्स्ट लिया, क्योंकि हमें पासवर्ड के लिए यूज करना होता है। एंड ये जो साइड में है यहाँ पे हमने एक ड्रॉबल राइट के नेम से एक क्या लिए थे, हमने आइकन सिलेक्ट किए थे। ओके, एंड यहाँ पे हमने लॉग इन बटन क्रिएट किए थे, एंड इसके नीचे हमने लिनियर लेआउट लिए एक, एंड दो टेक्स्ट व्यू को इम्प्लीमेंट किए। अगेन हमने एक लीनियर लेआउट लिए एंड यहाँ पे प्रोग्रेस बार को इम्प्लीमेंट किए। ओके, तो आई होप अभी आपको कम्प्लीटली एक्टिविटी लॉगिन डॉट एक्सएमएल का पार्ट समझ में आया होगा। तो प्रीवियस वीडियो में हमने एक्टिविटी लॉगिन डॉट एक्सएमएल को क्रिएट किए थे, मीन्स फ्रंट एंड पार्ट को क्रिएट किए थे। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि डॉट जावा फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, मीन बैक एंड पार्ट कैसे क्रिएट करते हैं। तो बैक एंड पार्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको आना होगा लॉगिन डॉट जावा में, एंड ये जो हमने यहाँ पे टेक्स्ट व्यू जितने भी इम्प्लीमेंट किए थे एंड बटन इम्प्लीमेंट किए थे यहाँ पे हमें इसको डिक्लेयर करना होगा।
तो इसके लिए हम आ जाते हैं लॉगिन डॉट जावा में एंड इसको एंटर करेंगे एंड जो हमने एडिट टेक्स्ट यूज किए इसको हम डिक्लेयर कर देते हैं। एडिट टेक्स्ट हमने एक यूज किए थे, मैं आपको दिखा देता हूँ, दो, एक ईमेल का एडिट टेक्स्ट यूज किए थे एंड एक पासवर्ड का एडिट टेक्स्ट यूज किए थे। ओके तो मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ, एम ईमेल कॉमा एम पासवर्ड, आपको नेम दे देना इसका। ये तो हुआ हमारा एडिट टेक्स्ट का। अभी हमें बटन का भी डिक्लेरेशन करना होगा क्योंकि हमने यहाँ पे एक बटन यूज किया था। ओके एंड ये जो टेक्स्ट व्यू दिखाई दे रहा है आपको, मैं दिखा देता हूँ, ये जो टेक्स्ट व्यू है साइन अप का, हमें इसको भी डिफाइन करना होगा एंड ये जो प्रोग्रेस बार है इसको भी डिफाइन करना होगा। तो मैं जल्दी जल्दी इसको डिफाइन कर देता हूँ। सबसे पहले मैं बटन को डिफाइन कर देता हूँ, बटन, एंड इसका हम नेम दे देंगे एम लॉग इन बटन। इसको मैं सेमी कॉलम से क्लोज कर देता हूँ। अगेन हमें टेक्स्ट व्यू का भी यूज करना होगा, तो टेक्स्ट व्यू हमें कौन सा यूज करना होगा, जैसे कि कोई साइन अप पे क्लिक कर देता है तो कोई एक्टिविटी परफॉर्म होनी चाहिए, वही हमें टेक्स्ट व्यू का यूज करना है, एम क्रिएट बटन। तो आप देख सकते हैं एम क्रिएट बटन हो चुका है एंड सेम आपको यूज करना है प्रोग्रेस बार। ओके तो आप देख सकते हैं हमने इसको कंप्लीटली डिफाइन कर दिया। अभी हमें इसको डिक्लेरेशन भी परफॉर्म करना होगा, तो मैं प्रोवाइड कर देता हूँ एम ईमेल इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट ईमेल। तो आपको दिखा देता हूँ मैं, ये जो ईमेल है इसकी हमने आईडी क्या डिफाइन की थी, ईमेल, तो वही हमें यहाँ पे यूज करना होगा। इसको सेमी कॉलम से क्लोज करना होगा, मैं कंट्रोल डी कर देता हूँ यहाँ पे ऊपर जाके, तो यहाँ से हम इजीली चेंज कर सकते हैं एम पासवर्ड एंड सेम हमें यहाँ पे यूज करना होगा पासवर्ड क्योंकि हमने वहाँ पे आईडी डिफाइन की थी पासवर्ड। तो मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने पासवर्ड यूज किया था। हमें प्रोग्रेस बार के लिए भी यूज करना है, तो सबसे पहले मैं बटन के लिए यूज कर देता हूँ एम लॉग इन बटन इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट। तो हमने क्या यूज किया था यहाँ पे, क्रिएट टेक्स्ट वन, सॉरी हमने यूज किया था लॉग इन बटन के नेम से आईडी यूज की थी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लॉग इन बटन हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। तो मैं दो बार इसको कंट्रोल डी कर देता हूँ क्योंकि हमें एक एम क्रिएट बटन को डिफाइन करना है। तो मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ क्रिएट टेक्स्ट वन एंड प्रोग्रेस बार को हमें डिफाइन करना है। प्रोग्रेस बार, तो आई होप अभी समझा होगा क्योंकि हमने क्या किया, सिर्फ यहाँ पे एडिट टेक्स्ट लिया है, इसको नेम दे दिया, यहाँ पे दोनों को भी डिफाइन कर दिया, सेम हमने बटन लिया, बटन को डिफाइन किया, टेक्स्ट व्यू लिया, टेक्स्ट व्यू को डिफाइन किया, प्रोग्रेस बार लिया, प्रोग्रेस बार को डिफाइन किया, बस यहाँ पे हमने डिक्लेरेशन परफॉर्म किए। अभी हम क्या करते हैं, तो एक्टिविटी लॉग इन डॉट एग्जामिन में आपको लेके चलता हूँ। तो देखो अगर कोई यूजर आता है एंड उसका ऑलरेडी साइन अप पेज है तो वो यूजर कहाँ पे जाना चाहिए, तो जैसे कोई साइन अप पे क्लिक करेगा तो वो साइन अप में जाना चाहिए, तो वही हम यहाँ पे यूज करेंगे। जैसे अगर कोई इस टेक्स्ट व्यू को क्लिक कर देता है, क्योंकि हमने यही टेक्स्ट व्यू यूज किया है ना, हमने आपको दिखा देता हूँ मैं साइन अप पे लेके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रिएट टेक्स्ट वन हमने आईडी डिफाइन की है। ओके तो क्रिएट टेक्स्ट वन का नेम क्या है, एम क्रिएट बटन, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ एम क्रिएट बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, मतलब अगर उसके ऊपर क्लिक करता है तो क्या होगा, सेट ऑन क्लिक लिसनर। एंड यहाँ पे हम मेथड दे देंगे न्यू करके एंड व्यू ऑन, जैसे टाइप करेंगे तो मेथड आ जाएगी। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, सेम हमें इंटेंट का यूज करना होता है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे स्टार्ट एक्टिविटी डिफाइन कर दूंगा एंड पास कर देना न्यू इंटेंट एंड यहाँ पे आपको प्रोवाइड करनी है गेट अप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, कॉमा पास कर देना है एंड किस एक्टिविटी में हमें जाना है, तो रजिस्टर डॉट क्लास में, तो रजिस्टर में यहाँ पे लिख देता हूँ
बट यहाँ पे एरर शो होगा क्योंकि हमने रजिस्टर के नेम से कोई भी अभी तक यहाँ पे एक्टिविटी क्रिएट नहीं की है। ओके तो हमें सबसे पहले इस एरर को रिजॉल्व करने के लिए इसको कॉपी करना होगा, हमें जाना होगा पैकेज नेम पे, राइट क्लिक न्यू एक्टिविटी एम्प्टी एक्टिविटी एंड नेम यहाँ पे चेंज करना होगा रजिस्टर के नेम से। ओके एंड फिनिश बटन पे आपको क्लिक करना होगा। तो जैसे आप फिनिश पे क्लिक करोगे तो सेम यहाँ पे ग्रेडल बिल्ड स्टार्ट हो जाएगा। तो हम ग्रेडल बिल्ड फिनिश होने तक वेट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रेडल बिल्ड फिनिश हो चुका है। तो अभी मैं लेके चलता हूँ आपको लॉगिन डॉट जावा में। तो जैसे हम इस पर टैप करेंगे तो आप देख सकते हो जो यहाँ एरर शो हो रहा था रजिस्टर डॉट क्लास वो अभी रिजोल्व हो चुका है। तो अभी हमें क्या करना होगा, फायरबेस का यूज करना होगा क्योंकि अगर कोई लॉगिन पे क्लिक करता है तो जो भी डेटा रहेगा वो फायरबेस में जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, लॉगिन में अभी फायरबेस का यूज करना होगा। तो मैं अभी फायरबेस को कनेक्ट कर देता हूँ, मीन्स हमें जो भी डिपेंडेंसी हो सबसे पहले पेस्ट करना होगा, फिर बाद में हम कनेक्ट करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इंटरनेट की रिक्वायरमेंट लगेगी। तो मैं इंटरनेट को ऑन कर देता हूँ सबसे पहले। तो मैंने यहाँ पे इंटरनेट को अभी कनेक्ट कर दिया है। आपको सबसे पहले डिपेंडेंसी को पेस्ट करने के लिए क्या करना होगा, टूल में जाना होगा, फायरबेस पे क्लिक करना होगा। फायरबेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लोडिंग शो होगा, लोडिंग असिस्टेंट कंटेंट। तो हम वेट करते हैं, जब तक आता नहीं तब तक। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अभी शो रहा है। तो अभी आपको सबसे टॉप में आना है। तो मैं टॉप में आ जाता हूँ, ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करना है, ऑथेंटिकेशन यूजिंग गूगल पे क्लिक करना है एंड ये जो एट द फायरबेस ऑथेंटिकेशन है इस पे आपको क्लिक करना है। ओके तो आप देख सकते हो ये यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक्सेप्ट चेंजेस पे क्लिक करो एंड जो भी यहाँ पे डिपेंडेंसी शो हो रही है खुद ब खुद हमारे प्रोजेक्ट में आ जाएगी। तो अभी हम एक्सेप्ट चेंजेस पे क्लिक कर देते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रेडल बिल्ड स्टार्ट हो चुका है एंड सेम आपको वेट करना होगा ग्रेडल बिल्ड फिनिश होने तक। तो जैसे ग्रेडल बिल्ड फिनिश हो जाएगा तो हमारे बिल्ड डॉट ग्रेडल में डिपेंडेंसी पेस्ट हो जाएगी। तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे लेके चलता हूँ बिल्ड डॉट ग्रेडल में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन कॉम गूगल डॉट फायरबेस ऑथ ये डिपेंडेंसी पेस्ट हो चुकी है। ओके तो ये कम्प्लीटली फिनिश होने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक आ जाएगा। तो हम वेट करते हैं ग्रेडल बिल्ड फिनिश होने तक। तो आप देख सकते हो अभी कम्प्लीटली ग्रेडल बिल्ड फिनिश हो चुका है एंड यहाँ पे राइट भी क्लिक आ चुका है। जैसे हमने ऑथेंटिकेशन की डिपेंडेंसी को पेस्ट किए मीन्स सिलेक्ट किए तो वैसे हमें क्या करना है, स्टोरेज की भी इसको क्लिक करना है। ओके तो आपको आ जाना है क्लाउड स्टोरेज, सॉरी नीचे क्लाउड स्टोरेज फॉर फायरबेस, गेट स्टार्टेड एट द क्लाउड स्टोरेज एंड एक्सेप्ट चेंजेस। ओके सेम जैसे एक्सेप्ट चेंजेस करेंगे यहाँ पे एक ग्रेडल बिल्ड स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको वेट करना होगा अगेन ग्रेडल बिल्ड फिनिश होने तक। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अगेन ग्रेडल बिल्ड फिनिश हो चुका है एंड डिपेंडेंसी सक्सेसफुली पेस्ट हो चुकी है। तो अभी आपको क्या करना है, हमारा क्लाउड स्टोरेज फॉर फायरबेस तो हो चुका है, अभी हमें आना है फायर स्टोर में। ओके तो फायर स्टोर में आने के लिए आपको क्लाउड फायर स्टोर पे क्लिक करना होगा, गेट स्टार्टेड एंड यहाँ पे जो है यहाँ पे क्लिक करना होगा एंड एक्सेप्ट चेंजेस पे क्लिक करना होगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हो यहाँ पे तीन डिपेंडेंसी हमारी पेस्ट हो चुकी है, एक ऑथेंटिकेशन की, एक स्टोरेज की एंड एक फायर स्टोर की। ओके तो अभी हमारा कम्प्लीटली डिपेंडेंसी का वर्क हो चुका है। तो जैसे ग्रेडल बिल्ड फिनिश हो जाएगा तो हम इंटरनेट को डिसकनेक्ट कर देंगे क्योंकि हमारा डिपेंडेंसी का वर्क हो चुका है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिपेंडेंसी पेस्ट हो चुकी है एंड ग्रेडल बिल्ड भी फिनिश हो चुकी है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इंटरनेट को डिसकनेक्ट कर देता हूँ। तो मैंने इंटरनेट को डिसकनेक्ट कर दिया, अभी आपको इसको क्लोज कर देना है। ओके एंड ये जो बिल्ड डॉट ग्रेडल है इसको भी क्लोज देना है क्योंकि यहाँ पे हमारे जो भी थ्री डिपेंडेंसी थे वो पेस्ट तो हो चुके हैं। ओके तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो अभी आपको सबसे पहले आ जाना है लॉगिन डॉट जावा में। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ एंड जो हमने डिपेंडेंसी पेस्ट की थी ऑथेंटिकेशन की वही हमें यूज करना होगा फायरबेस ऑथ के नेम से, फायरबेस ऑथ। तो अगर आप डिपेंडेंसी को पेस्ट नहीं करते और फायरबेस ऑथ सर्च करते तो आपको एरर शो होता, ठीक है। तो अभी हमने एरर रिजोल्व करने के लिए डिपेंडेंसी को पेस्ट कर दिया। तो मैं इसका नेम दे देता हूँ फायरबेस ऑथ। ओके एंड सेमी कॉलम से इसको क्लोज कर देता हूँ। जैसे हमने एडिट टेक्स्ट को डिफाइन किया था वैसे इसको भी डिक्लेयर करना होगा हमें, इसलिए हम आ जाते हैं इसके नीचे प्रोग्रेस बार के नीचे एंड इसको हम डिफाइन कर देंगे फायरबेस ऑथ इज इक्वल टू काय का यूज किए थे हमने, फायरबेस ऑथ डॉट इंस्टेंट को यूज करना होगा, डॉट गेट इंस्टेंस एंड सेमी कॉलम से इसको क्लोज करना होगा।
तो आप देख सकते हो यहाँ पे एरर रिजॉल्व हो चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, अगर कोई लॉगिन बटन पे क्लिक करता है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक्टिविटी लॉगिन डॉट एक्सएमएल में लेके चल के। तो अगर कोई लॉगिन पे क्लिक करता है, ठीक है, तो हमारी क्या एक्टिविटी परफॉर्म होनी चाहिए वही हमें यहाँ पे टाइप करना होगा। तो मैं टाइप कर देता हूँ जल्दी से लॉगिन डॉट जावा में जाके, तो मैं इसके नीचे आ जाता हूँ एम क्रिएट बटन के नीचे, एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एम लॉगिन बटन, क्योंकि हमने ऊपर में यूज़ किए थे, डिफाइन किए थे डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। अगर इस पर कोई क्लिक करता है, यहाँ पे आपको टाइप करना होगा न्यू ऑन क्लिक लिसनर, यहाँ पे आपको स्ट्रिंग का यूज करना है। ओके, स्ट्रिंग ईमेल नेम दे दिया मैंने, ईमेल एम ईमेल डॉट गेट टेक्स्ट। तो ये जो नीचे में दिखाई दे रहा है गेट टेक्स्ट, वही आपको यूज करना है, स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग डॉट ट्रिम। ओके, एंड सेमी कॉलम से इसको क्लोज कर देना है। सेम आपको स्ट्रिंग पासवर्ड नेम दे देता हूं मैं, पासवर्ड इज इक्वल टू एम पासवर्ड डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट ट्रिम, एंड सो इमी कॉलम से भी इसको क्लोज कर देना। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ईमेल एंड पासवर्ड तो लिए स्ट्रिंग, बट ये आ रहा कहाँ से? तो अगर कोई रजिस्टर डॉट जावा में हम ये जो कोड करेंगे, तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग को पास करेंगे, वही लॉगिन डॉट जावा में हम गेट टेक्स्ट कर दे। ओके, तो हम इन फ्यूचर जावा भी फाइल क्रिएट करेंगे रजिस्टर की, तो आपको खुद ब खुद समझ जाएगा। ओके, तो अभी हम लॉगिन बटन लॉगिन पेज की इसमें कर रहे हैं। ओके, तो अभी मैं इफ पे क्लिक कर देता हूँ, इफ टेक्स यूटिल्स जो एक ऑलरेडी होती है डिफाइन प्री डिफाइन, मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ टेक्स्ट यूटिल्स डॉट इज एम्प्टी। अगर टेक्स्ट एम्प्टी है तो क्या होगा, तो ये कहाँ से आएंगे, ईमेल से। तो हमें क्या डिफाइन करना होगा, अगर टेक्स्ट एम्प्टी है तो ईमेल इज रिक्वायर्ड, तो इसलिए हमें क्या करना होगा, एम ईमेल को पास करना होगा डॉट सेट एरर, एरर में हम पास करेंगे ईमेल इज रिक्वायर्ड। ओके, तो ये तो हुआ ईमेल का पार्ट। तो अभी मैं इसको सेमी कॉलम से क्लोज करता हूँ एंड एंटर कर देता हूँ, एंड मैं इसको रिटर्न भी करना होगा क्योंकि ईमेल है, तो इसको मैं रिटर्न कर देता हूँ। इसके बाद आपको इफ यूज करने के बाद अगेन आपको इफ यूज करना होगा, क्योंकि हमें पासवर्ड के लिए भी यूज करना है ना। तो जैसे हमने ईमेल के लिए यूज किया वैसे हम पासवर्ड के लिए भी कर देते हैं, तो मैं क्या कर देता हूँ, इफ को अभी एंटर नहीं करता हूँ, जैसे कि इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, तो कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, एंड ये जो टेक्स्ट यूटिल डॉस इज एम्प्टी इसको जैसे कि वैसे रखना है, बस ईमेल की जगह हमें किसका यूज करना है, तो पासवर्ड का। एंड जैसे हमने एम ईमेल ऊपर में यूज किए थे, यहाँ पे हमें एम पासवर्ड का यूज करना है, एम पासवर्ड। ओके, एंड यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, एंड सेम हमें इसको रिटर्न को पास कर देना है। तो अगेन हम एक कंडीशन यूज करेंगे, अगर पासवर्ड की लेंथ 6 से कम होती है तो हमें उसको क्या करेंगे, मस्ट बी ग्रेटर कर देंगे। ओके, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इफ का यूज करेंगे, इफ पासवर्ड डॉट लेंथ मिनिमम 6 से तो भी ऊपर चाहिए, इसलिए हम एक कंडीशन लगा रहे हैं, पासवर्ड डॉट लेंथ लेस देन इज इक्वल टू 6, अगर 6 है तो क्या होगा, एम पासवर्ड डॉट सेट एरर, पासवर्ड मस्ट बी
ग्रेटर देन 6, तो यहाँ पे एरर शो कर रहा है क्योंकि हमने इसको सेमी कॉलम में नहीं डाले, तो इसको मैं सेमी कॉलम में डाल देता हूँ। ओके देख सकते हो अभी यहाँ पे एरर शो नहीं हो रहा है, तो पास्ट वर्ड मस्ट बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 6 इन सब कैरेक्टर्स। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इफ का हमने यूज किया, अगर एम्प्टी है तो ईमेल इज रिक्वायर्ड, पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, अगर 6 से कम है तो वहाँ पे मैसेज शो चला जाएगा पासवर्ड मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 6, एंड इसको सेम रिटर्न पास करना होगा, तो मैं यहाँ पे रिटर्न को पास कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी हमारा इसका वर्क हो चुका है, अभी इसके नीचे आ जाना है, क्योंकि अगर ये फिल होने के बाद हमें क्या होता है, प्रोग्रेस बार को एक विजिबल करना होता है, तो इसलिए मैं प्रोग्रेस बार यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। आपको स्मॉल प्रोग्रेस बार यूज करना है क्योंकि हमने उसको डिफाइन किए थे, प्रोग्रेस बार डॉट सेट विजिबिलिटी, तो वहाँ पे इनविजिबल था एक्टिविटी इन लॉगिन डॉट एक्सएमएल में, तो अभी मैं इसको क्या कर देता हूँ, विजिबल कर देता हूँ। तो सबसे पहले सेट विजिबिलिटी यहाँ से चूज करनी है, एंड यहाँ से इसको पास कर देना विजिबल। ये होने के बाद आपको ऑथेंटिकेशन यूज करना है, एफ ऑथ डॉट साइन विथ ईमेल एंड पासवर्ड, तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। साइन इन विथ ईमेल एंड पासवर्ड, यहाँ से आपको पास करना है ईमेल एंड कॉमा पासवर्ड, यहाँ से आपको डॉट कर देना है ऐड ऑन कंप्लीट लिसनर, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ डॉट ऑन कंप्लीट लिसनर न्यू ऑन कंप्लीट लिसनर। तो जैसे हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये जो भी मेथड हो जाएगी कंप्लीट लिसनर की खुद ब खुद आ जाएगी। तो हमें एक इफ की कंडीशन यूज करना है, तो यहाँ पे एरर शो हो रहा है, तो इस एरर को रिजोल्व करने के लिए बस सेमी कॉलन इम्प्लीमेंट करना है, एरर रिजोल्व हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इफ की कंडीशन यूज कर देता हूँ, इफ टास्क सक्सेसफुल, इफ टास्क डॉट इज सक्सेसफुल, तो हम क्या करेंगे इसमें कंडीशन यूज कर लेंगे, हम मैसेज शो कर देंगे लॉग इन इज सक्सेसफुल, अगर एल्स, एल्स में हम डाल देंगे एरर। ओके तो इसलिए हम यहाँ पे पहले तो टोस्ट पास कर देंगे, अगर सक्सेसफुल होता है तो टोस्ट डॉट मेक टेस्ट, तो हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे लॉग इन डॉट दिस कॉमा, यहाँ पे हम मैसेज पास कर देंगे लॉग इन सक्सेसफुल। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने मैसेज पास कर दिया। इसके बाद अभी आपको जो लेंथ रहेगी टोस्ट की वो कैसी रहेगी, शॉर्ट रहेगी कि लेंथ लॉन्ग रहेगी, वो डिफाइन करना होगा, तो इसलिए मैं डिफाइन कर देता हूँ टोस्ट टोस्ट डॉट लेंथ शॉर्ट डॉट शो एंड सेमी कॉलम से अगेन इसको आपको क्लोज करना है, एंड इसके बाद आपको क्या करना है, स्टार्ट एक्टिविटी न्यू इंटेंट, हमें जाना है किस एक्टिविटी में, तो मेन एक्टिविटी में। ठीक है, कि वो अगर लॉगिन सक्सेसफुल हो जाता है तो सबसे पहले तो उसको मैसेज शो हो जाएगा, एंड यहाँ पे हमने इंटेंट पास कर रहे हैं जो कि डायरेक्ट चला जाएगा जिस भी एक्टिविटी में आपका होम एक्टिविटी रहेगा उस एक्टिविटी में चला जाएगा, इसलिए हम पास कर रहे हैं गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कॉमा मेन एक्टिविटी डॉट क्लास। ओके तो आप देख सकते हैं यहाँ पे शो हो रहा है। अभी हम क्या करेंगे, एल्स का पार्ट इंप्लीमेंट करेंगे, एल्स यहाँ पे भी हम सेम टोस्ट को यूज करेंगे, तो क्रिएट न्यू टोस्ट को हम सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे बहुत सारा टाइप नहीं करना होता इसको सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बस एरर हम क्या शो कर देंगे एल्स में, अगर सक्सेसफुल नहीं होता है तो कोई ना कोई तो एरर रहेगा,
तो इसलिए हम एल्स पार्ट में एरर को शो कर रहे हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, अभी इसके नीचे आ जाना है एंड इसको हम क्या करेंगे, जो प्रोग्रेस बार रहेगा इसको गॉन कर देंगे एल्स के कंडीशन में। सेट विजिबिलिटी व्यू डॉट गॉन, तो आप देख सकते हो अभी हमारा वर्क हो चुका है एल्स के पार्ट में भी। बट यहाँ पे हम एक मैसेज भी शो कर देंगे, जो भी एरर रहेगा उसको भी हम शो कर देंगे एल्स के पार्ट में, कौन सा एरर एग्जैक्टली शो रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, बस यहाँ पे ऐड का साइन देना होगा। तो मैं यहाँ पे ऐड का साइन दे देता हूँ, टास्क डॉट गेट एक्सेप्शन दे देता हूँ मैं ऐसे, जो भी एरर रहेगा डॉट गेट एक्सेप्शन डॉट गेट मैसेज, जो भी मैसेज रहेगा उसको शो हो जाएगा कॉमा, एंड यहाँ पे हमारा टोस्ट लेंथ शॉर्ट जो भी रहेगा वो शो हो जाएगा। तो आई होप अभी आपको समझ में आया होगा ऑथ की जो भी प्रोसेस है वो कम्प्लीटली समझ में आई होगी। अगर कोई यूजर आता है, अगर सक्सेसफुली लॉग इन हो जाता है तो उसको मैसेज शो होगा एंड मेन एक्टिविटी डॉट क्लास में चला जाएगा। ओके, एल्स के पार्ट में क्या होगा, अगर लॉग इन नहीं होता है तो उसको एरर शो हो जाएगा एंड जो भी गेट मैसेज मीन जो भी एरर रहेगा उसको शो हो जाएगा। ओके, तो आई होप अभी आपको कम्प्लीटली जो भी लॉग इन डॉट जावा है इसका पार्ट कम्प्लीटली समझ में आया होगा। तो प्रीवियस वीडियो में हमने लॉग इन डॉट जावा जो पार्ट है उसका कम्प्लीटली कोड क्रिएट किए थे। इस वीडियो में हम फ्रंट एंड पार्ट को क्रिएट करने वाले एक्टिविटी रजिस्टर डॉट एग्जामल को। तो मैं सभी टैब को क्लोज कर देता हूँ एंड एक्टिविटी रजिस्टर डॉट एग्जामल में आ जाता हूँ एंड ये जो स्प्लिट का बटन है इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। ये जो कंस्ट्रेंट लेआउट है इसकी जगह आपको रिप्लेस करना होगा लीनियर लेआउट की जगह। एंड इसके बाद आपको विड्थ एंड हाइट डिफाइन करनी होगी मैच पेरेंट एंड बैकग्राउंड आपको सेम सिलेक्ट करना होगा जो कि हमने सिलेक्ट किए थे एक्टिविटी लॉग इन डॉट एग्जामिन में। तो मैं इस बैकग्राउंड को कॉपी कर देता हूँ, तो मैं कंट्रोल सी कर देता हूँ इसको एंड यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। एंड ये जो लीनियर लेआउट है इसकी ओरिएंटेशन भी आपको डिफाइन करनी होगी, तो ओरिएंटेशन हम डिफाइन कर देंगे वर्टिकल, क्योंकि जो भी हमारे पार्ट्स रहेंगे वो सभी वर्टिकली इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो रजिस्टर के नीचे आ जाता हूँ एंड यहाँ पे हम ले लेंगे रिलेटिव लेआउट, इसको एंटर कर देंगे। इसकी विड्थ रहेंगी हमारी मैच पेरेंट एंड हाइट यहाँ से रहेंगे एक्शन बार साइज। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का साइज दे देता हूँ, क्वेश्चन मार्क एक्शन बार साइज। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्शन बार साइज का रिलेटिव लेआउट का आ चुका है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ऑन क्लिक में इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। साइन अप, ओके, तो यहाँ पे मैंने ऑन क्लिक तो इम्प्लीमेंट कर दिया है। तो इसको हम रिलेटिव लेआउट को क्लोज कर देंगे सबसे पहले एंड इसके बाद हम यूज करेंगे इमेज व्यू। इमेज व्यू में हम विड्थ एंड हाइट दे देंगे 32 dpi 32 dpi। एंड आईडी भी हम डिफाइन कर देंगे इमेज व्यू की, आईडी @id बैक। एंड इसके बाद आपको सेंटर वर्टिकल यूज करना होगा, तो सेंटर वर्टिकल आपको ट्रू सिलेक्ट करना होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज व्यू अभी शो हो रही होगी, सेंटर वर्टिकल ट्रू। आपको लेआउट मार्जिन स्टार्ट भी देनी होगी जो कि इसका डिफरेंस रहेगा इमेज व्यू कितने डिफरेंस में चाहिए। तो लेआउट मार्जिन स्टार्ट आपको दे देनी है 12 dpi। तो आप देख सकते हो 12 dpi का डिफरेंस यहाँ पे आ चुका है। अगेन आपको एंटर करना है, यहाँ से आपको बैकग्राउंड सिलेक्ट करना है, जो भी हमारी इमेज रहेगी वो यहाँ से सिलेक्ट करनी है। तो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उस बैकग्राउंड को प्रोवाइड कर दूंगा। तो मैं इसको कंट्रोल सी से कॉपी कर देता हूँ एंड ड्रॉबल में इसको पेस्ट कर देता हूँ एंड ओके बटन पे मैं क्लिक कर देता हूँ एंड इसका नेम सेम आईसी बैक iOS हमने लिख दिया है। ओके, एंड @ड्रॉबल आईसी बैक iOS।
तो आप देख सकते हो यहाँ पे एरो आ चुका है, ओके, जो हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया इमेज व्यू। एंड इसको अभी मैं सबसे पहले तो इसको क्लोज कर देता हूँ क्योंकि हमारा कम्प्लीटली वर्क हो चुका है। अभी मैं इस रिलेटिव लेआउट के नीचे आ जाता हूँ क्योंकि हमारा इमेज व्यू का कम्प्लीटली वर्क हो चुका है। एंड जो हमने रिलेटिव लेआउट है इसमें ऑन क्लिक यूज किए थे, यहाँ पे एरर शो हो रहा है। तो इस एरर को रिजॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो भी बल्ब होता है इस पर क्लिक करना होगा, शो कॉन्टेक्ट, एंड ये जो दिख रहा है क्रिएट साइन अप यू इन रजिस्टर, यहाँ पे क्लिक करना होगा। ओके, तो मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कि हमने ये साइन अप जो है ये क्यों क्रिएट किया, मीन्स ऑन क्लिक यहाँ पे क्यों इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, तो देखो अगर कोई साइन अप पेज पे आता है, अगर उसको बैक जाना है साइन इन पेज पे, तो हमने ये जो दिखाई दे रहा है आपको बैक का ऑप्शन, इसलिए हमने यहाँ पे बैक का ऑप्शन इम्प्लीमेंट कर दिया। एंड यहाँ पे हमने ऑन क्लिक यूज किया, ठीक है। एंड यहाँ पे हम इंटेंट पास कर देंगे, जो दिख रहा है आपको पब्लिक वर्ड साइन अप, यहाँ पे हम इन फ्यूचर इंटेंट पास करेंगे जो कि चले जाएगा साइन इन पेज में। तो अभी हम क्या करते हैं, रिलेटिव लेआउट के नीचे आ जाते हैं। तो मैं आ जाता हूँ रिलेटिव लेआउट के नीचे, एंड यहाँ पे हम यूज करेंगे स्क्रोल व्यू। एंड इसकी विड्थ एंड हाइट हम दे देंगे मैच पर ट्रैप कंटेंट। एंड इस स्क्रोल व्यू को आपको सबसे पहले तो क्लोज करना होगा। एंड इस स्क्रोल व्यू में आपको यूज करना होगा लीनियर लेआउट। एंड इसकी विड्थ हम दे देंगे लीनियर लेआउट की मैच पेरेंट। एंड हाइट आपको दे देनी है रैप कंटेंट। मैं ओरिएंटेशन भी इसकी डिफाइन कर देता हूँ, ओरिएंटेशन वर्टिकल। एंड इस लीनियर लेआउट को आपको क्लोज करना होगा। तो आप देख सकते हैं हमने पहले सबसे पहले स्क्रोल व्यू यूज़ किए, इसमें हमने लीनियर लेआउट यूज़ किए। अभी हम टेक्स्ट व्यू इम्प्लीमेंट कर देंगे, तो मैं डिफाइन कर देता हूँ टेक्स्ट व्यू को, टेक्स्ट व्यू। इसकी वाइट दे देंगे रैप कंटेंट, एंड हाइट दे देंगे रैप कंटेंट। एंड मार्जिन स्टार्ट आपको देना होगा 10 dp। एंड सेम मार्जिन टॉप, क्योंकि ये जो एरो है इसके मार्जिन टॉप भी चाहिए ना, तो इसलिए मार्जिन टॉप हम दे देंगे 10 dp। एंड टेक्स्ट आपको डिफाइन करना होगा साइन, आपको यहाँ पे टेक्स्ट प्रोवाइड कर देना है साइन अप। इसके बाद अगेन आपको एंटर करना है। हम यहाँ पे टेक्स्ट कलर भी प्रोवाइड कर देंगे, टेक्स्ट कलर हम दे देंगे @TextColor, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में कलर में टेक्स्ट डिफाइन किए थे वही टेक्स्ट कलर को हमने यूज कर दिया। इसके बाद हमें यूज करना होगा टेक्स्ट साइज, टेक्स्ट साइज आपको यूज करना होगा 40 sp। अगेन हम एंटर करेंगे एंड टेक्स्ट स्टाइल अच्छे से दिखने के लिए हम कर देंगे बोल्ड। तो आप देख सकते हो अभी अच्छे से साइन अप जो भी हमारा टेक्स्ट है वो अच्छे से इम्प्लीमेंट कर दिया। अभी हमारा कम्प्लीटली टेक्स्ट व्यू का तो वर्क हो चुका है, इसलिए मैं इसको क्लोज कर देता हूँ एंड लीनियर लेआउट जो है इसके नीचे आ जाएंगे हम। तो अभी हमें यूज करना होगा कार्ड व्यू, जो मैं आपको दिखा देता हूँ, जो हमने प्रीवियस वीडियो में यूज किए थे, जैसे हमने ईमेल पासवर्ड यूज किए थे, सेम हमें क्या करना होगा एक्टिविटी रजिस्टर में फुल नेम पासवर्ड एंड जो मेल फीमेल का जो ऑप्शन होता है रेडियो बटन का वो सिलेक्ट करना होगा। एंड जैसे हमने यहाँ पे बटन क्रिएट किए थे लॉगिन के नेम से, यहाँ पे रजिस्टर के नेम से बटन आ जाएगी। ओके, तो चलिए जल्दी से हम क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले लीनियर लेआउट के नीचे आ जाना है आपको, सॉरी आपको लीनियर लेआउट के नीचे नहीं आना है क्योंकि हमें लीनियर लेआउट के अंदर ही इसको क्रिएट करना है। तो मैं क्रिएट करता हूँ जल्दी से, कार्ड व्यू को सिलेक्ट करूंगा यहाँ से मैं। एंड कार्ड व्यू आपको ध्यान में रखना है कौन सा सिलेक्ट करना है, जो हमने डिपेंडेंसी पेस्ट की थी वही कार्ड व्यू आपको सिलेक्ट करना है। विड्थ हम दे देंगे मैच पेरेंट, हाइट हम दे देंगे रैप कंटेंट, स्टाइल आपको सिलेक्ट करनी होगी जो हमने प्रोवाइड की, स्टाइल विजिट कार्ड व्यू। ओके, ये होने के बाद आपको मार्जिन हॉरिजॉन्टल भी सिलेक्ट करनी है। हमें प्रोवाइड करना होगा 10 dp मार्जिन हॉरिजॉन्टल, एंड टॉप भी यूज करना होगा मार्जिन टॉप, तो मैं प्रोवाइड कर देता हूँ 10 dp। एंड सेव टाइप आपको यूज करना होगा प्रेस, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ जो भी कार्ड व्यू है। इसमें आपको यूज करना होगा एडिट टेक्स्ट, जो कि विड्थ रहेंगे मैच पेरेंट,
एंड हाइट रहेगी रैप कंटेंट। तो मैं सबसे पहले एडिट टेक्स्ट की आईडी भी डिफाइन कर देता हूँ, आईडी एट द रेट आईडी फुल नेम, जैसे हमने वहाँ पे ईमेल के नेम से इम्प्लीमेंट की थी, सेम यहाँ पे हमने क्या किया है, फुल नेम के नेम से आईडी इम्प्लीमेंट कर दिया। इसके बाद आपको हिंट भी प्रोवाइड करनी होगी, तो हिंट हम क्या प्रोवाइड करेंगे, सेम फुल नेम। अगेन आपको एंटर करना है, तो मैं इनपुट टाइप अभी सिलेक्ट कर देता हूँ, टेक्स्ट ईमेल एड्रेस। तो देखो आप कोई भी टेक्स्ट भी ले सकते हो, तो मैं इसको टेक्स्ट ईमेल एड्रेस नहीं, सिर्फ टेक्स्ट ले लेता हूँ इनपुट टाइप, ठीक है। अगर कोई यूजर आएगा तो उसको टेक्स्ट ऑलरेडी देखना चाहिए उसको एज अ कीबोर्ड में। इसके बाद हमें पैडिंग यूज करना होगा, पैडिंग आपको कितना देना होगा 15 dp, एंड इसको क्लोज करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फुल नेम इम्प्लीमेंट हमने कर दिया, ठीक है। तो जैसे हमने फुल नेम को इम्प्लीमेंट किया है, सेम हमें यूज़ करना होगा ईमेल के लिए। तो ईमेल के लिए यूज़ करने के लिए सेम हम कॉपी एंड पेस्ट भी कर सकते हैं, मैं इसको कॉपी कर देता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो स्टाइल आपको सेम रखनी है ईमेल में। इसके बाद आपको विड्थ एंड हाइट मैच पर रैप कंटेंट लेनी है, एंड हॉरिजॉन्टल भी आपको 10 dp ही यूज़ करनी है। बट ये जो मार्जिन टॉप है इसको आपको थोड़ा डिफरेंट सिलेक्ट करना होगा। मार्जिन टॉप हमने यहाँ से 10 dp किया था, बट यहाँ से 8 dp ही सिलेक्ट करना है, ओके। एंड शेप टाइप हम सेम प्रेस ही यूज़ करेंगे। एंड यहाँ पे जो फुल नेम हमने एडिट टेक्स्ट यूज़ किया था आईडी इसकी, तो इसकी हम आईडी दे देंगे ईमेल के नेम से, ठीक है। एंड आपको सेम यहाँ पे हाइट एंड विड्थ मैच पर रैप कंटेंट ही दे देना है, बट हमने यहाँ पे बैकग्राउंड को सिलेक्ट नहीं किया, तो बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना होगा आपको, बैकग्राउंड एट द रेट। इसके बाद आपको हिंट में आ जाना है, एंड हिंट में हम क्या प्रोवाइड करेंगे, हिंट में हम प्रोवाइड करेंगे ईमेल। इसके बाद आपको इनपुट टाइप में क्या प्रोवाइड करेंगे हम, टेक्स्ट ईमेल एड्रेस, क्योंकि उसको कीबोर्ड में क्या दिखना चाहिए, ईमेल एड्रेस का पैटर्न दिखना चाहिए, इसलिए हमने इनपुट टाइप ले लिया टेक्स्ट ईमेल एड्रेस। पैडिंग दे देंगे हम 15 dp। तो आई होप अभी आपको इसका भी समझ में आओगा ईमेल का भी। बट यहाँ पे मिस्टेक हो रही है, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्टली शो नहीं हो रहा है, ईमेल के नीचे वो शो होना चाहिए था। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो स्क्रॉल करके देखेंगे हम क्या मिस्टेक की है यहाँ पे हमने। तो लीनियर लेआउट ओरिएंटेशन वर्टिकल सिलेक्ट किए थे, टेक्स्ट व्यू हमने अच्छे से इम्प्लीमेंट किया है, एंड कार्ड व्यू सेम, हाँ ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक मिस्टेक की है, यहाँ पे हमने इस कार्ड व्यू को अच्छे से क्लोज नहीं किया है। तो हम इस कार्ड व्यू को कंट्रोल एक्स करेंगे, यानी ये जो एडिट टेक्स्ट है इसके नीचे इस कार्ड व्यू को पेस्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे से फुल नेम शो हो रहा है, सेम आपको यहाँ पे भी इसको अच्छे से क्लोज करना होगा। तो मैं इसको भी क्लोज कर देता हूँ एडिट टेक्स्ट के नीचे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे से ईमेल भी शो हो रहा है। अभी ईमेल का तो वर्क कम्प्लीटली हो चुका है, सेम हमें अभी पासवर्ड के लिए यूज़ करना होगा। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, एंड यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे वही, तो मैं इसको कंट्रोल सी से कॉपी कर देता हूँ। तो मैं इसको कंट्रोल सी से कॉपी कर देता हूँ एंड यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ओके। तो मैं इसको ओपन कर देता हूँ अभी। आपको सेम आपको जो स्टाइल है सेम रखनी है, एंड विड्थ एंड हाइट भी मैच पैरेंट रैप कंटेंट रखनी है, एंड हॉरिजॉन्टल 10 dp मार्जिन टॉप सेम आपको, इसको तो कोई भी चेंजेस नहीं करना है। बट यहाँ पे हमें यहाँ पे हमने थोड़ी मिस्टेक कर दी, तो कंट्रोल जेड कर देता हूँ मैं। बट यहाँ पे आईडी हमें चेंज करनी होगी, तो आईडी में यहाँ पे दे देता हूँ पासवर्ड। तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे पासवर्ड एट द रेट आईडी पासवर्ड, ओके। एंड विड्थ हमें मैच पैरेंट एंड रैप कंटेंट ही रखनी है। यहाँ से बैकग्राउंड आपको कलर ट्रांसपेरेंट सेम रखना है, एंड हिंट आपको चेंज करनी है पासवर्ड। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड दे देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे हिंट तो प्रोवाइड कर दिए, ओके।
इसके बाद इनपुट टाइप आपको टेक्स्ट ईमेल एड्रेस नहीं लेना है, तो टेक्स्ट पासवर्ड लेना है, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ टेक्स्ट पासवर्ड। एंड इसके बाद पैडिंग तो आपकी सेम ही रहेगी, बट यहाँ पे जो यहाँ पे एक ट्रबल राइट के नेम से यहाँ पे जो आईजी विजिबिलिटी होती है मीन्स हाइट एंड अनहाइट का जो ऑप्शन होता है, यहाँ पे एक इमेज शो होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ड्रॉबल राइट के नेम से यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। तो ड्रॉबल राइट एट द रेट ड्रॉबल आई सी विजिबिलिटी ऑफ लाइट, बट यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो शो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमने जो कॉपी किए थे, मैं आपको दिखा देता हूँ, तो ये जो हमने प्रीवियस वीडियो में कॉपी किए थे यहाँ पे एरर शो कर रहा है। तो इसलिए मैं क्या कर देता हूँ, आई सी विजिबिलिटी ऑफ एंड आई सी विजिबिलिटी को मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, एंड ओके बटन पे क्लिक कर देता हूँ। इसको हम न्यू क्रिएट करेंगे, तो डिलीट एनीवे क्लिक कर दिया है। अभी हम क्या करेंगे, ड्रॉबल में चले जाएंगे, तो सबसे पहले हम कलर को कॉपी कर लेंगे, ये जो टेक्स्ट कलर होता है। तो इसको कॉपी करने के लिए आपको जाना होगा कलर डॉट एग्जेमल में, तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, इसको कॉपी कर देता हूँ, ड्रॉबल में चला जाता हूँ, न्यू, एंड यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ड्रॉबल सॉरी वेक्टर असेट जो दिखाई दे रहा है आपको इस यहाँ पे क्लिक करना होगा। एंड ये जो फ्लिपकार्ट का ऑप्शन है यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा, एंड यहाँ पे आपको सर्च करना होगा आई सी विजिबिलिटी। यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हम सिर्फ सर्च करेंगे विजिबिलिटी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे विजिबिलिटी शो रही है। एंड इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, तो कलर हमने जो कॉपी किया था उसी को इम्प्लीमेंट करना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है आई सी विजिबिलिटी। तो नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिनिश पे क्लिक करना है। सेम हम क्या करेंगे, ऑफ के लिए क्रिएट करेंगे, न्यू वेक्टर असेट क्लिप आर्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे सर्च करना है विजिबिलिटी, एंड ऑफ को क्लिक करना है, ओके, एंड कलर को सेम रखना है, नेक्स्ट एंड फिनिश। तो अभी हम चले जाते हैं एक्टिविटी रजिस्टर डॉट एग्जामिन में, एंड यहाँ से ये जो ऑफ है इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, आई सी बेस लाइन ऑफ। तो आप देखोगे कि यहाँ पे अभी ये जो हमारा इमेज था वो शो हो रहा है। सेम हमें एक्टिविटी लॉगिन डॉट एग्जामिन में भी करेक्शन करना होगा, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ पासवर्ड की इसमें, एंड यहाँ पे जो एरर शो हो रहा है इसको भी आपको रिजॉल्व करना होगा। ऐसे आपको सिलेक्ट करना होगा आई सी विजिबिलिटी ऑफ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी अच्छी चीज शो हो रहा है। तो अभी हम क्या करते हैं, एक्टिविटी रजिस्टर डॉट एग्जामिन पे आ जाते हैं, एंड इसके ड्रॉबल के नीचे आ जाएंगे अभी हम। तो लॉन्ग क्लिकेबल आपको क्या करना है, यहाँ से कोई भी पासवर्ड कॉपी नहीं होना चाहिए, इसलिए हम इसको फॉल्स कर देंगे, ओके। बट ये जो हमने यहाँ पे एक्टिविटी लॉगिन डॉट एग्जामिन है, यहाँ पे हमने एडिट टेक्स्ट कौन सा यूज किए थे, इनपुट एडिट टेक्स्ट। तो सेम आपको एक्टिविटी रजिस्टर डॉट एग्जामिन में भी इसको सिलेक्ट करना होगा, टेक्स्ट इनपुट एडिट टेक्स्ट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे शो हो रहा है टेक्स्ट इनपुट एडिट टेक्स्ट, इसी को मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो जैसे मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे भी पासवर्ड अभी शो हो रहा है। अभी हमारा फुल नेम ईमेल एंड पासवर्ड का तो हो चुका है, अभी मैं इसके नीचे आ जाता हूँ। अभी हमें रेडियो बटन क्रिएट करना होगा मेल एंड फीमेल के लिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी सेम कार्ड व्यू क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको सर्च करना है कार्ड व्यू, एंड ये जो थर्ड में कार्ड व्यू है इसको आपको सिलेक्ट करना होगा, एंड इसके बाद आपको विड्थ सिलेक्ट कर लेने मैच पैरेंट, एंड हाइट आपको सिलेक्ट कर लेने रैप कंटेंट। इसके बाद आपको लेआउट मार्जिन हॉरिजेंटल सिलेक्ट करनी है 10 dp, अगेन आपको एंटर करना है, एंड यहाँ से आपको मार्जिन टॉप सिलेक्ट करनी होगी, मार्जिन टॉप हम दे देंगे 8 dp, ओके, अगेन हम एंटर करेंगे। एंड जैसे ऊपर में हम शेप टाइप दे देते, शेप टाइप हम सिलेक्ट कर लेंगे प्रेस, अगेन इस कार्ड व्यू को आपको क्लोज करना होगा क्योंकि हमें यहाँ पे एक रेडियो ग्रुप क्रिएट करना होगा। तो मैं सबसे पहले तो इसको आईडी डिफाइन कर देता हूँ, सॉरी इसको हम सबसे पहले स्टाइल डिफाइन कर देंगे। तो स्टाइल हमें कौन सा स्टाइल यूज करना होता है, कार्ड व्यू का एट द रेट विजिट कार्ड व्यू, ओके। तो ये तो हुआ कार्ड व्यू के बारे में, अभी हम एक रेडियो ग्रुप क्रिएट करेंगे इस कार्ड व्यू के अंदर। तो मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ रेडियो ग्रुप,
इसकी विड्थ एंड हाइट दे देंगे मैच पेरेंट ट्रैप कंटेंट एंड रेडियो ग्रुप की मैं आईडी डिफाइन कर देता हूँ, आईडी एट द रेट आईडी रजिस्टर रेडियो ग्रुप एंड लेआउट ग्रेविटी आपको दे देनी है सेंटर। ये होने के बाद आपको एंटर करना है एंड सेम आपको ग्रेविटी प्रोवाइड करनी है सेंटर हॉरिजॉन्टल एंड ओरिएंटेशन आपको प्रोवाइड करना है वर्टिकल। सॉरी आपको ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल प्रोवाइड करनी है। ओरिएंटेशन हम क्यों हॉरिजॉन्टल प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ये जो मेल एंड फीमेल होता है इसकी ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल होती है। ओके एंड हम प्रोवाइड कर देंगे पैडिंग, पैडिंग कितना डीपी तो 5 डीपी हम प्रोवाइड कर देंगे। इसके बाद अगेन आपको एंटर करना है एंड इसकी वेट भी डिफाइन करनी होगी आपको, तो वेट आपको डिफाइन करनी है 3 एंड इस रेडियो ग्रुप को आपको क्लोज करना होगा। अभी तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ एंड इसके अंदर आपको रेडियो बटन क्रिएट करना होगा 2। तो रेडियो बटन आपको किसकी, मेल एंड फीमेल की, तो एक रेडियो बटन में सबसे पहले डिफाइन कर देता हूँ रेडियो बटन एंड विड्थ आपको दे देनी है इसके रैप कंटेंट एंड इसकी हाइट डिपेंड करनी है रैप कंटेंट। सेम आपको अगेन एंटर करना होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे से अभी शो हो रहा है। तो लेआउट वेट हम डिफाइन कर देंगे, जैसे कि लेआउट वेट हमने ऊपर में डिफाइन किए थे सेम आपको यहाँ पे करना है। तो मैं यहाँ पे वेट सर्च कर देता हूँ, यहाँ पे आपको प्रोवाइड करना है 1 एंड अगर कोई क्लिक करता है तो ट्रू कर देता हूँ मैं, चेक ट्रू एंड ग्रेविटी ये सेंटर में रहना चाहिए इसलिए हम ग्रेविटी कर देंगे सेंटर। इसके बाद अगेन एंटर करना है एंड टेक्स्ट में आपको क्या प्रोवाइड करना है, मेल के नेम से अगेन हम एंटर करेंगे एंड आपको प्रोवाइड करना भी कलर, क्योंकि टेक्स्ट का कलर भी तो चाहिए, जैसे कि वहाँ पे मेल तो शो हो रहा है पर कलर अच्छे से शो नहीं हो रहा है, तो अभी अच्छे से शो हो रहा है @ टेक्स्ट कलर हमने प्रोवाइड कर दिए। इसके बाद हम प्रोवाइड कर देंगे इसका टेक्स्ट साइज का थोड़ा इंक्रीज कर देंगे, तो टेक्स्ट साइज हम प्रोवाइड करेंगे 14 dpi। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने रेडियो बटन तो क्रिएट कर दिए बट किसके लिए, ये था मेल के लिए, अभी हम प्रोवाइड कर देंगे फीमेल के लिए। तो फीमेल के लिए सेम हमें रेडियो बटन यूज करना होगा, तो मैं इसको जैसे के वैसे कॉपी कर देता हूँ Ctrl+C एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ Ctrl+V। ओके एंड इसकी विड्थ हमें सेम रखनी है रैप कंटेंट, रैप कंटेंट वेट भी हम सेम प्रोवाइड करेंगे, बस मेल की जगह हम प्रोवाइड कर देंगे फीमेल। अभी मैं दोनों को भी आईडी डिफाइन कर देता हूँ सबसे पहले, तो इसको मैं आईडी प्रोवाइड कर देता हूँ @ID रजिस्टर इंडिविजुअल या फिर रजिस्टर, इसको हम प्रोवाइड कर देंगे मेल। इसको मैं कॉपी कर देता हूँ आईडी को एंड यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ रजिस्टर फीमेल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने रजिस्टर मेल एंड रजिस्टर फीमेल के लिए क्रिएट कर दिए। अभी हमें क्या क्रिएट करना होगा, एक बटन क्रिएट करना होगा यहाँ पे साइन अप के नेम से। ओके तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस कार्ड व्यू के नीचे आना होगा लीनियर लेआउट के अंदर एंड कार्ड व्यू के बाहर। तो यहाँ पे सेम आपको क्या करना होगा, कार्ड बटन सिलेक्ट करना होगा जैसे हमने एक्टिविटी लॉगिन .xml में क्रिएट किए थे, तो बस यहाँ पे लॉगिन था यहाँ पे रजिस्टर रहेगा, इसलिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ कार्ड व्यू बटन, सॉरी कार्ड व्यू बटन नहीं ओनली बटन सिलेक्ट करेंगे हम एंड बटन आपको नॉर्मल सिलेक्ट नहीं करनी है, तो जो हमने डिपेंडेंसी यूज की थी उसी बटन को आपको क्रिएट करना है। ओके जो आप देख रहे हो यहाँ पे ब्लू कलर में वही आपको सिलेक्ट करनी है। विड्थ आपको दे देनी है 300 dpi एंड हाइट आपको प्रोवाइड करनी होगी रैप कंटेंट एंड इसके बाद हम आईडी भी डिफाइन कर देते हैं जो कि बटन की रहेगी @ID रजिस्टर बटन, रजिस्टर बटन। ओके तो बी में कैपिटल कर देता हूँ। ये होने के बाद आपको स्टाइल भी डिफाइन करनी होगी स्टाइल, तो यहाँ पे हमने बटन यूज़ किया इसलिए विजिट डॉट बटन, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बटन तो आ चुके हैं बट ये सेंटर में नहीं है, तो लेआउट ग्रेविटी हम प्रोवाइड कर देंगे
आपको लेआउट ग्रेविटी सेंटर पास कर देना है, ओके सॉरी सेंटर हॉरिजॉन्टल। तो आप देख सकते हैं सेंटर में आ चुकी है। तो अभी मैं मार्जिन टॉप दे देता हूँ, ऊपर से कितना टॉप में रहना चाहिए, तो मिनिमम 10 dp कर देते हैं। इसके बाद इसके अंदर हम टेक्स्ट प्रोवाइड कर देंगे, यहाँ पे टेक्स्ट शो नहीं हो रहा इसलिए, तो टेक्स्ट हम क्या प्रोवाइड कर देंगे साइन अप के नेम से। ये होने के बाद अगेन आपको एंटर करना है एंड जो भी हमारे कैपिटल लेटर रहेंगे उसको फॉल्स कर देंगे। ये होने के बाद आपको टेक्स्ट कलर डिफाइन करना है क्योंकि अच्छे से कलर शो नहीं हो रहा है। ओके तो कलर हमने डिफाइन कर दिया है। यहाँ से आपको साइज को भी थोड़ा इंक्रीज करना होगा, तो मैंने यहाँ पे साइज को भी इंक्रीज कर दिया 16 sp। तो अभी हमारा कम्प्लीटली वर्क हो चुका है। मैं फाइनली शेप टाइप भी प्रोवाइड कर देता हूँ फ्लैट। आप इसको प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हो, तो मैं इसको रहने देता हूँ। तो अभी हमारा अच्छे से बटन भी इम्प्लीमेंट हो चुका है। अभी हमारा फाइनली वर्क बाकी है दो टेक्स्ट व्यू का, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कोई क्लिक करता है यहाँ पे साइन अप पे तो चला जाएगा साइन अप पे, बट यहाँ पे सेम एक्टिविटी रजिस्टर के नीचे हमें साइन इन का भी क्रिएट करना होगा, तो इसलिए मैं दो टेक्स्ट व्यू ले लेता हूँ। तो एक्टिविटी रजिस्टर डॉट एक्सएमएल में आ जाना है आपको एंड इसके अंदर आपको लीनियर लेआउट क्रिएट करनी है। तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ लीनियर लेआउट एंड इसकी विड्थ रख देंगे हम मैच पेरेंट एंड हाइट प्रोवाइड कर देंगे रैप कंटेंट। इसके बाद आपको मार्जिन टॉप भी देनी होगी, लेआउट मार्जिन टॉप 20 dp। सेम आपको ग्रेविटी प्रोवाइड करनी है, तो ग्रेविटी हम क्या प्रोवाइड करेंगे सेंटर। ये होने के बाद आपको ओरिएंटेशन सिलेक्ट करना है, तो ओरिएंटेशन हम क्या सिलेक्ट करेंगे हॉरिजॉन्टल। ओरिएंटेशन इसलिए हॉरिजॉन्टल सिलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि एक यहाँ पे टेक्स्ट रहेगा ऑलरेडी हैव एन अकाउंट का एंड इसके बाजू में साइन इन का बटन के लिए एक टेक्स्ट व्यू रहेगा, इसलिए हमारे दो टेक्स्ट व्यू रहेंगे जो कि हॉरिजॉन्टल में रहेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल को सिलेक्ट कर दिया। इसके बाद इस लिनियर लेआउट को भी क्लोज करना होगा आपको एंड दो टेक्स्ट व्यू को आपको सिलेक्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पे एक सिलेक्ट कर देता हूँ टेक्स्ट व्यू। विड्थ आपको प्रोवाइड करना होगा रैप कंटेंट एंड हाइट भी आपको प्रोवाइड करना होगा रैप कंटेंट। ये होने के बाद आपको टेक्स्ट भी प्रोवाइड करना होगा। इस टेक्स्ट में क्या प्रोवाइड करेंगे हम ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। एंड यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क को प्रोवाइड कर देंगे। ओके होने के बाद अगेन आपको एंटर करना होगा एंड यहाँ से आपको प्रोवाइड करना होगा टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट कलर में आपको सेम एट द रेट टेक्स्ट कलर। तो आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे टेक्स्ट भी यहाँ पे शो हो रहा है। सेम आपको साइन इन के लिए क्रिएट करना होगा, तो मैं इसको कंट्रोल सी से कॉपी कर देता हूँ। जैसे इसको पेस्ट करेंगे तो इसके बाजू में सेम यहाँ पे आ जाएगा। ओके तो विड्थ एंड हाइट तो हम रैप कंटेंट रखेंगे, बस टेक्स्ट को हम करेंगे साइन इन। एंड टेक्स्ट कलर भी आपको सेम प्रोवाइड करनी है। मैं सबसे पहले तो इसको आईडी डिफाइन कर देता हूँ। आईडी इसलिए डिफाइन कर देता हूँ क्योंकि अगर कोई साइन इन पे क्लिक करेगा तो साइन इन के पेज में रिडायरेक्ट होना चाहिए, इसलिए आईडी डिफाइन करना जरूरी है। तो आईडी @id क्रिएट टेक्स्ट। तो यहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो चुकी है, तो मैं यहाँ पे ए दे देता हूँ एंड यहाँ पे ई दे देता हूँ। तो आप देख सकते हो अभी हमने यहाँ पे नेम दे दिया क्रिएट टेक्स्ट के नेम से। तो अगर कोई साइन इन पे क्लिक करेगा तो वो चला जाएगा साइन इन के पेज में। ओके एंड अगर कोई साइन अप पे क्लिक करेगा तो साइन अप के पेज में चला जाएगा। तो अभी हमारा कम्प्लीटली जो भी फ्रंट एंड का वर्क था साइन अप पेज का वो कम्प्लीटली वर्क हो चुका है। तो प्रीवियस वीडियो में हमने एक्टिविटी रजिस्टर डॉट एक्सएमएल की फ्रंट एंड पार्ट क्रिएट किया था, बट हम एक चीज भूल गए थे जो कि यहाँ पे हमने प्रोग्रेस बार इम्प्लीमेंट ही नहीं किया। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे हमने एक्टिविटी लॉगिन डॉट एक्सएमएल में प्रोग्रेस बार क्रिएट किया था वैसे ही हमें एक्टिविटी रजिस्टर डॉट एक्सएमएल में भी क्रिएट करना है। तो इसके नीचे मैं आ जाता हूँ एंड इस लीनियर लेआउट को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये जो प्रोग्रेस बार की लीनियर लेआउट है इसको मैं कंट्रोल सी से कॉपी करूंगा, एक्टिविटी रजिस्टर डॉट एक्सएमएल में जाएंगे एंड इस लीनियर लेआउट को तो सबसे पहले हम क्लोज कर देंगे। तो मैं इसको स्क्रोल करता हूँ, ये जो लीनियर लेआउट है इसके नीचे हमें आना होगा। तो मैं आ जाता हूँ एंड यहाँ पे इसको कंट्रोल वी से पेस्ट कर देता हूँ।
तो आप देख सकते हो यहाँ पे प्रोग्रेस बार इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो मैं विजिबल करके दिखा देता हूँ एक बार आपको, विजिबल। हाँ तो देख सकते हो यहाँ पे प्रोग्रेस बार इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो अभी तो फिलहाल तो इसको इनविजिबल ही करना होगा, क्योंकि कोई भी अगर रजिस्टर बटन पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे जो भी डेटा रहेगा जब तक फिल नहीं होता तब तक ये प्रोग्रेस बार हिडन ही रहता है। जब साइन अप बटन पे कोई यूजर क्लिक करेगा तब जाके ये हमारा जो भी प्रोग्रेस बार रहेगा वो विजिबल हो जाएगा। ओके तो चलिए अभी हम देखने वाले आज के वीडियो में रजिस्टर डॉट जावा, मीन्स हम बैकएंड का पार्ट करने वाले हैं आज। तो चलिए जल्दी से हम आ जाते हैं रजिस्टर डॉट जावा में। एंड ये जो दिखाई दे रहा है आपको साइन अप, मैं आपको दिखा देता हूँ एक्टिविटी रजिस्टर डॉट एग्जामल जो हमने यहाँ पे ऑन क्लिक यूज किए थे। ओके अगर कोई यूजर बैक पे क्लिक करता है तो वो डायरेक्ट जाना चाहिए लॉग इन डॉट जावा में, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे कोडिंग इम्प्लीमेंट करेंगे, स्टार्ट एक्टिविटी, स्टार्ट एक्टिविटी न्यू इंटेन गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट एंड यहाँ पे हम प्रोवाइड कर देंगे लॉग इन डॉट क्लास, ठीक है। क्योंकि कोई अगर यूजर बैक पे क्लिक करेगा तो जाहिर सी बात है वो डायरेक्ट चला जाएगा लॉग इन डॉट क्लास में। ये तो हुआ रहा हमारा वर्क ऑन क्लिक का। अभी हमें क्या करना होगा, डिफाइन करना होगा, जैसे हमने, मैं आपको दिखा देता हूँ लॉग इन डॉट एग्जेमएल में जैसे हमने एडिट टेक्स्ट बटन सभी को डिक्लेयर किए थे वैसे ही हमें रजिस्टर में भी डिफाइन करना होगा। तो आप देख सकते हो जैसे हमने इसको डिफाइन किए थे सेम हमें रजिस्टर डॉट जावा में भी डिफाइन करना होगा। इसके लिए हमें क्या करेंगे, एडिट टेक्स्ट का यूज करेंगे, एडिट टेक्स्ट एम फुल नेम कॉमा एम ईमेल कॉमा एम पासवर्ड, इसके बाद आपको सेमी कॉलम से इसको क्लोज कर देना है एंड यहाँ पे अभी बटन यूज करना है। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ बटन एंड एम रजिस्टर बटन पे मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा। इसके बाद हम टेक्स्ट व्यू को डिफाइन करेंगे, टेक्स्ट व्यू एम लॉग इन बटन सेमी कॉलम से इसको भी क्लोज करना है, प्रोग्रेस बार एंड इसका नेम दे देना प्रोग्रेस बार। तो आप देख सकते हो मैं आपको एक एक दिखा देता हूँ, हमने यहाँ पे फुल नेम ईमेल पासवर्ड ये एडिट टेक्स्ट यूज किए थे इसलिए हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। एक बटन डिफाइन किया था साइन अप के नेम से वही यहाँ पे हमने इसको डिफाइन कर दिया एंड एक टेक्स्ट भी यूज किया था, ठीक है। ये जो टेक्स्ट भी है अगर साइन इन पे कोई क्लिक करता है तो यहाँ पे हमने दिया था एंड एक प्रोग्रेस बार यूज किया था। इसको हमें क्या करना होगा यहाँ पे डिक्लेयर करना होगा। तो इसके लिए हमें जो ऊपर में नेम लेते हैं एम फुल नेम वही आपको यूज करना है, एम फुल नेम इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आई डी आर डॉट आई डी डॉट फुल नेम जो हमने आपको दिखा देता हूँ, ये जो आई डी दिखाई दे रही होगी आपको फुल नेम वही हमने यहाँ पे एंटर कर दिया। ओके इसको मैं कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी कर देता हूँ एंड जो एम फुल नेम है इसकी जगह हम प्रोवाइड कर देंगे एम ईमेल, आप कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो एम ईमेल एंड यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे ईमेल, ये होने के बाद आपको एम पासवर्ड यूज करना है एंड पासवर्ड में हम प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे भी सेम पासवर्ड। ये होने के बाद आपको रजिस्टर बटन पे क्लिक करना है, मीन्स एम रजिस्टर बटन एंड यहाँ से आपको डिफाइन करना है रजिस्टर बटन अगेन, आपको एम लॉग इन बटन एंड इसका भी आपको प्रोवाइड करना है क्रिएट टेक्स्ट। मैं आपको दिखा देता हूँ एम लॉग इन बटन का, आप देख सकते हो क्रिएट टेक्स्ट के नेम से हमने इसको आईडी को डिफाइन कर दिया। ये होने के बाद आपको यहाँ पे प्रोग्रेस बार डिफाइन करना होगा,
प्रोग्रेस बार, एंड यहाँ पे भी आईडी को डिफाइन करना होगा प्रोग्रेस बार। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने इसको डिक्लेयर कर दिया। ये होने के बाद हमें एक ऑथेंटिकेशन यूज़ करना होगा, तो चलिए जल्दी से हम यहाँ पे टॉप में इसको डिक्लेयर कर देते हैं। ऑथेंटिकेशन को भी फायरबेस ऑथ मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे लॉगिन डॉट जावा में हमने यहाँ पे डिफाइन किए थे, सेम यहाँ पे रजिस्टर डॉट जावा में भी डिफाइन करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पब्लिक स्टैटिक फाइनल यूज़ कर लेंगे हम यहाँ पे, एंड यूज़ करेंगे यहाँ पे स्ट्रिंग, एंड आपको प्रोवाइड करना है टी ए जी टैग। ओके, ये होने के बाद आपको इज इक्वल टू यूज़ करना है एंड टैग यहाँ पे एंटर कर देना है, एंड सेमी कॉलम से इसको क्लोज कर देना है। ये होने के बाद आपको फायर स्टोर यूज करना है, तो मैं प्रोवाइड कर देता हूँ फायर स्टोर। यहाँ पे फायर बेस स्टोर सिलेक्ट नहीं हो रहा अच्छे से, इसलिए मैं अगेन टाइप कर देता हूँ फायर बेस फायर स्टोर। यस, सिलेक्ट हो चुका है। एंड स्टोर एफ स्टोर, इसका हम नेम दे देंगे, आप कोई भी नेम डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे हम स्ट्रिंग भी प्रोवाइड कर देंगे यूजर आईडी के नेम से, कैपिटल आर डी, सेमी कॉलम क्लोज करना है, एंड फायरबेस ऑथ, एंड इसका नेम भी आपको प्रोवाइड कर देना एफ ऑथ, एंड इसको भी सेमी कॉलम से इसको क्लोज कर देना है। सेम यहाँ पे भी आपको डिक्लेयर करना होगा नीचे, जैसे हमने एडिट टेक्स्ट बटन टेक्स्ट व्यू को डिफाइन किया, सेम इसको भी डिफाइन करना होता है। तो मैं आ जाता हूँ इसके नीचे, एंड एफ ऑथ इसको मैं डिक्लेयर कर देता हूँ इज इक्वल टू फायरबेस ऑथ डॉट गेट इंस्टेंस, सेमी कॉलम से इसको क्लोज कर देना है, एंड सेम आपको प्रोवाइड करना है एप स्टोर, एंड इज इक्वल टू, एंड इसको भी आपको प्रोवाइड कर देना है फायरबेस स्टोर जो हमने टॉप में यूज किए। ये जो फायरबेस स्टोर दिखाई दे रहा है वही हम यूज कर रहे हैं। डॉट गेट इंस्टेंस, यहाँ पे क्या प्रोवाइड करना है आपको, डॉट गेट इंस्टेंस, एंड सेमी कॉलम से इसको क्लोज कर देना है। ओके, ये होने के बाद आपको क्या करना होगा, एक लॉग इन बटन यूज करना होगा। आपको दिखा देता हूँ लॉगिन बटन कौन सी, मतलब अगर कोई यहाँ पे क्लिक करेगा साइन अप पे तो साइन इन पे चला जाएगा, तो इसलिए हम क्रिएट करेंगे एम लॉगिन बटन जो कि हमने ऑलरेडी यूज़ किए। एम लॉगिन बटन डॉट सेट ऑन प्लेस लिसनर एंड न्यू न्यू अच्छे से टाइप करना है आपको, एंड जैसे आप व्यू ऑन क्लिक लिसनर पे क्लिक करोगे तो खुद ब खुद ऑन क्लिक लिसनर के मेथड आ जाएगी। तो सेम आपको यहाँ पे भी इंटेंट यूज करना होगा, तो मैं क्या कर देता हूँ कॉपी एंड पेस्ट कर देता हूँ। मीन्स ये जो है हमारा स्टार्ट एक्टिविटी, इसी को मैं जैसे कि वैसे पास कर देता हूँ। क्यों हमने इसको कॉपी किया मैं आपको बताता हूँ अभी। तो देखो, अगर कोई साइन इन पे क्लिक करेगा तो साइन इन पेज में चला जाएगा, या फिर साइन अप पेज में रह के अगर उसको बैक करना है चला जाएगा साइन इन पेज पे। इसलिए इन दोनों का भी कोड सेम है, इसका और साइन इन पेज का। इसलिए हमने क्या किया, इसका और इसका कोड कॉपी करके पेस्ट कर दिया। अभी हमें क्या करना होगा, ऑथ की कंडीशन यूज करनी होगी फायरबेस की, तो इसलिए मैं प्रोवाइड कर देता हूँ इफ कंडीशन एफ ऑथ इफ एफ ऑथ डॉट गेट करंट यूजर नॉट इक्वल टू, हमें प्रोवाइड करना है नॉट इक्वल टू, तो इसलिए हम प्रोवाइड कर देंगे नॉट इक्वल टू नल। ये होने के बाद आपको स्टार्ट एक्टिविटी पास करनी है, एंड हम यहाँ से भी सेम इंटेंट को पास कर देंगे न्यू इंटेंट, जिस एप्लीकेशन में है मीन्स गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, कॉमा जिस एक्टिविटी में हमें जाना है। तो
जब यूजर रजिस्टर कर लेगा वो जाएगा मेन एक्टिविटी डॉट क्लास में। ओके तो अभी हमें इसको फिनिश भी कर देना है, क्योंकि मेन एक्टिविटी जाने के बाद जो भी एक्टिविटी रहेगी वो कम्प्लीटली फिनिश हो जाएगी, इसलिए मैं इसको फिनिश कर देता हूँ। तो अभी हमारा फायरबेस ऑथ का भी वर्क हो चुका है, अभी मैं इसको एंटर कर देता हूँ। अगर कोई एम रजिस्टर बटन पे क्लिक करता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर कोई साइन अप पे कोई क्लिक करता है तो क्या परफॉर्म होगा। तो इसलिए हमें यहाँ पे कोडिंग करनी होगी, एम रजिस्टर बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू एंड खुद ब खुद मेथड आ जाएगी ऑन क्लिक लिसनर की। तो इसमें हमें प्रोवाइड करना है स्ट्रिंग, जैसे हमने लॉग इन डॉट जावा में प्रोवाइड किया था, आपको दिखा देता हूँ मैं। तो आप देख सकते हैं ये जो यहाँ पे हमने स्ट्रिंग प्रोवाइड की थी सेम हमें वहाँ पे भी प्रोवाइड करनी है। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं एंड यहाँ पे हम फाइनल स्ट्रिंग नेम दे देंगे हम, ईमेल इज इक्वल टू खुद ब खुद मेथड आ जाएंगे एम ईमेल के नेम से। तो देखो हमने एम ईमेल का थोड़ा नेम गलत कर दिया था, ये जो एम ईमेल है वो कैपिटल में लिख लिया था। ओके तो हो सके तो इसको स्मॉल में ही रखना, तो इसलिए मैं प्रोवाइड कर देता हूँ स्मॉल एम कैपिटल ई। देखो एक एरर हो गया तो काफ़ी मिस्टेक होती है, इसको भी एम ईमेल प्रोवाइड करना आपको। ओके अभी एरर रिजॉल्व हो चुका है। हाँ एंड यहाँ पे अभी हम प्रोवाइड करेंगे सेम एम कैपिटल ईमेल डॉट गेट टेक्स्ट डॉट ट्रिम, डॉट ट्रिम नहीं करना पहले तो टेक्स्ट डॉट गेट टेक्स्ट होने के बाद आपको स्ट्रिंग भी प्रोवाइड करना है डॉट टू स्ट्रिंग, इसके बाद में आपको ट्रिम यूज करना है डॉट ट्रिम एंड सेमी कॉलम से इसको क्लोज कर देना है। सेम आपको पासवर्ड के लिए भी करना होगा एंड नेम के लिए भी करना होगा, जैसे हमने ईमेल के लिए क्रिएट किया है। तो मैं क्या करता हूँ इसको जस्ट कॉपी एंड पेस्ट कर देता हूँ, तो यहाँ से आप कंट्रोल डी भी करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा। तो अभी मैं फाइनल को रिमूव कर देता हूँ। ये होने के बाद यहाँ पे आपको ईमेल की जगह पासवर्ड लिख देना है एंड यहाँ पे आपको फुल नेम एंटर कर देना है। हमारा पासवर्ड चेंज होते रहता है इसलिए हमने इसको फाइनल नहीं किया है एंड जो ईमेल होती है वो हमारी फाइनल होती है, मीन्स एक ही होती है एंड ये जो हमारा नेम होता है वो भी फाइनल होता है। ओके तो मैं इसको फाइनल कर देता हूँ। ये होने के बाद आपको ये जो एम ईमेल दिख रहा है इसकी जगह आपको क्या करना होगा एम पासवर्ड, सेम आपको एम फुल नेम भी करना होगा जो कि नेम है एम फुल नेम। ओके तो आप देख सकते हैं अभी हमने ईमेल पासवर्ड एंड फुल नेम की कंप्लीटली वर्क कर लिया है। इसके बाद आपको करना होगा इफ की कंडीशन यूज, इफ टेक्स्ट यूटिल्स डॉट इज एम्प्टी, अगर हमारा टेक्स्ट एम्प्टी रहता है किसकी तो ईमेल की, तो हमें क्या प्रोवाइड करना होगा ईमेल इज रिक्वायर्ड, जैसे हमने लॉगिन पेज में यूज़ किए मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे प्रोवाइड किए थे एम ईमेल डॉट सेट एरर ईमेल इज रिक्वायर्ड, सेम हमें यहाँ पे भी प्रोवाइड करना होगा। मैं जस्ट कॉपी एंड पेस्ट कर देता हूँ। सेम हमें कंडीशन यूज करनी होगी पासवर्ड के लिए, इफ टेक्स्ट यूटिल डॉट इज एम्प्टी एंड ये भी हमें सेम करना होगा एंड प्रोग्रेस बार का भी सेम रहेगा। तो इसको मैं यहाँ तक कंट्रोल सी से कॉपी कर लेता हूँ एंड रजिस्टर डॉट जावा में चला जाता हूँ एंड यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने पासवर्ड के लिए भी कर लिया एंड पासवर्ड के लिंक के लिए भी कर लिया। अगर 6 से लिंक कम है तो क्या एरर रहेगा, पासवर्ड मस्ट बी ग्रेटर देन 6। ठीक है तो ये तो हो गया हमारा कंप्लीटली वर्क ऑन क्लिक की प्रोसेस में, अगर साइन अप पे कोई क्लिक करता है तो। तो अभी हमें क्या करना होगा, फायरबेस ऑथ मीन्स हमारा जो भी डेटा रहेगा वो फायरबेस में जाना चाहिए, इसके लिए अभी हमें कोड करना होगा।
मैं आ जाता हूँ इसके बाहर, जो भी हमारी प्रोग्रेस पासवर्ड डॉट लेंथ रहेगी, तो मैं अभी प्रोग्रेस बार के नीचे आ जाता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे विजिबल के नीचे आपको एंटर करना है, एंड यहाँ पे आपको पास कर देना है फायरबेस ऑथ डॉट क्रिएट यूजर विथ ईमेल एंड पासवर्ड, एंड इसमें आपको प्रोवाइड करना है ईमेल कॉमा पासवर्ड। एंड यहाँ पे डॉट प्रोवाइड करना है आपको डॉट एट ऑन कंप्लीट लिसनर, ये होने के बाद आपको प्रोवाइड करना है न्यू ऑन कंप्लीट लिसनर। तो आप देख सकते हो अभी खुद ब खुद मेथड आ चुके हैं। इसमें हमें इफ की कंडीशन यूज करना होगा, बट यहाँ पे एरर शो हो रहा है, तो इस एरर को रिजॉल्व करने के लिए बस आपको सेमी कॉलम एंटर कर देना है। तो मैं यहाँ पे अभी कंडीशन यूज कर लेता हूँ, इफ टास्क इज सक्सेसफुल, अगर हमारा टास्क सक्सेस हो जाता है तो हमें क्या करना होगा, ये कंडीशन हमें प्रोवाइड करनी होगी। तो कंडीशन मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, फायरबेस यूजर फायर बेस यूजर एफ यूजर, हमें नेम दे देना इसका एफ यूजर इज इक्वल टू एफ ऑथ। एफ ऑथ के बाद क्या करना है आपको, डॉट गेट करंट यूजर एंड सेमी कॉलम से इसको क्लोज कर देना है। एंड इसके बाद हम यूज करेंगे एफ यूजर डॉट सेंड ईमेल वेरिफिकेशन, एंड इसके बाद आपको प्रोवाइड करना है एड ऑन सक्सेस लिसनर प्रोवाइड करना है आपको। तो मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ ऑन सक्सेस लिसनर, एंड इसके बाद अगेन हम प्रोवाइड कर देंगे न्यू ऑन सक्सेस लिसनर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सक्सेस का खुद ब खुद आ चुका है void, ठीक है। इसको नेम दे देंगे अवॉइड, अनयूज नहीं देंगे हम, अवॉइड दे देंगे। और यहाँ पे एरर शो हो रहा है, तो एरर को रिजोल्व करने के लिए बस आपको सेमी कॉलम देना होगा। अभी हम प्रोवाइड करेंगे एक टोस्ट, मीन्स अगर कोई फायरबेस से डेटा यहाँ पे लोड करेगा, मीन्स सबमिट पे क्लिक करेगा, चला जाएगा डायरेक्ट रजिस्टर में, ओके। तो इसलिए हम प्रोवाइड कर देंगे यहाँ पे रजिस्टर सक्सेसफुल के नेम से। यहाँ पे हमें प्रोवाइड करना होगा रजिस्टर सक्सेसफुल, ये होने के बाद आपको अगेन एंटर करना होगा। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, एंड इस सेमी कॉलम को आपको रिमूव करना होगा। तो मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा एक मेथड एड ऑन फेल्योर लिसनर, सक्सेस लिसनर आपको नेक्स्ट प्रोवाइड करना है फेल्योर लिसनर। तो यहाँ पे आप टाइप भी कर सकते हो, एंड यहाँ से अगेन आपको प्रोवाइड करना है न्यू, जैसे हमने सक्सेस यहाँ पे प्रोवाइड किए थे वैसे ऑन फेल्योर लिसनर, एंड हम पास कर देंगे लॉग। तो यहाँ पे एरर शो हो रहा है, तो इसको भी हम सेमी कॉलम से क्लोज कर देंगे, एंड मैं प्रोवाइड कर दूंगा लॉग डॉट डी, एंड यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे टैग कॉमा, एंड यहाँ पे हम प्रोवाइड कर देंगे स्ट्रिंग में ऑन फेल्यूअर ईमेल नॉट सेंड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग में प्रोवाइड हो रहा है, एंड इसके बाद आपको ऐड का सिंबल देना है ई डॉट गेट मैसेज, ये होने के बाद यहाँ पे एरर शो हो रहा है, इसलिए इसको सेमी कॉलम से क्लोज कर देना है। तो आप देख सकते हो अभी हमारा कम्प्लीटली वर्क हो चुका है, जो भी सक्सेस लिसनर का था और फेलोअर लिसनर का था। तो अभी हमें इसके नीचे आ जाना है सेमी कॉलम के, मैं सेमी कॉलम के नीचे आ जाता हूँ, एंड यहाँ पे हमें एक टोस्ट प्रोवाइड करना होगा टोस्ट, एंड यहाँ पे हम मैसेज प्रोवाइड कर देंगे यूजर क्रिएटेड, ओके।
एंड इसके बाद लास्ट हमें प्रोवाइड करना होगा फायरबेस की यूजर आईडी। तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा यूजर आईडी इज इक्वल टू फायरबेस ऑथ। हमें यूजर से इंफॉर्मेशन लेना होगा तो इसलिए हम डॉट गेट करंट यूजर एंड वहां से हम आईडी को फेच करेंगे गेट यूअर आईडी एंड स्विमिंग कॉलम से इसको क्लोज कर देंगे। ये होने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स रेफरेंस का यूज करना होगा तो मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा डॉक्यूमेंट्स रेफरेंस। सेम यहाँ पे भी आपको प्रोवाइड करना है डॉक्यूमेंट्स रेफरेंस इज इक्वल टू नेम दे देंगे हम एप स्टोर ऑलरेडी प्रोवाइड किया हमने। एप स्टोर प्रोवाइड करने के बाद हमें कलेक्शन यूज करना होगा यहाँ से यूजर से तो इसलिए हम प्रोवाइड करेंगे डॉट कलेक्शन एंड यूजर यहाँ पे हम प्रोवाइड कर देंगे यूजर्स। ओके तो ये होने के बाद हमें डॉट डॉक्यूमेंट्स यूजर आईडी भी प्रोवाइड करना होगा तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा डॉक्यूमेंट्स एंड इसमें प्रोवाइड कर देंगे हम यूजर आईडी। बट पहले तो इसको सेमी कॉलम से क्लोज कर देंगे एंड यूजर आईडी हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। ये होने के बाद हमें मैप का यूज करना होगा एंड यहाँ पे प्रोवाइड करना होगा आपको स्ट्रिंग। स्ट्रिंग प्रोवाइड करने के बाद आपको यहाँ से कॉमा प्रोवाइड करना है एंड यहाँ से हम दे देंगे ऑब्जेक्ट। ओके तो हम यहाँ से ऑब्जेक्ट ये जो थर्ड में दिखाई दे रहा है यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है एंड इसका नेम हम प्रोवाइड कर देंगे यूजर इज इक्वल टू न्यू एंड हैश मार्क का हमें यूज करना होगा ऐसे एंड सेमी कॉलम से इसको क्लोज कर देना। अभी हमें ईमेल एंड जो भी नेम होता है वो प्रोवाइड करना है इसलिए हम क्या करेंगे यूजर से हम यूजर डॉट पुट क्या प्रोवाइड करेंगे हम सबसे पहले नेम तो इसलिए हम प्रोवाइड कर देंगे एफ नेम एंड कॉमा दे देंगे एंड यहाँ पे हम प्रोवाइड कर देंगे फुल नेम जो भी हमारा नेम था। इसके बाद हम प्रोवाइड कर देंगे ईमेल यूजर डॉट पुट ईमेल ओके तो आप देख सकते हो अभी हमारा नेम एंड ईमेल का पुट कर दिया हमने वैल्यू। ये होने के बाद अभी आपको एंटर करना है एंड यहाँ से आपको प्रोवाइड करना है डॉक्यूमेंट्स रेफरेंस का तो डॉक्यूमेंट्स रेफरेंस डॉट सेट यूजर एंड हम प्रोवाइड कर देंगे यूजर के नेम से एंड हमें मेथड प्रोवाइड करनी होगी एक एड ऑन सक्सेस लिसनर का न्यू ऑन सक्सेस लिसनर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अभी मेथड इंप्लीमेंट हो चुके हैं। अभी हमें एक मैसेज प्रोवाइड करना होगा ऐसे तो इसके लिए हम क्या प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे लॉग डॉट डी एंड यहाँ से हम टैग को प्रोवाइड कर देंगे। टैग आपको ध्यान में रखना है जो कैपिटल टैग है इसी को ही आपको सिलेक्ट करना होगा कॉमा यहाँ पे आपको मैसेज शो करना होगा। मैसेज में आपको ऑन सक्सेस प्रोवाइड करना है ऑन सक्सेस यूजर प्रोफाइल क्रिएटेड यूजर प्रोफाइल क्रिएटेड फॉर किसके लिए हम कर रहे हैं तो यूजर इसलिए हम यूजर आईडी यहाँ से फेच कर लेंगे यूजर आईडी। ये होने के बाद यहाँ पे एरर शो हो रहा है तो सेमी कॉलम से इसको क्लोज कर देना है एंड जैसे ही यहाँ पे हमने ऊपर में ऑन सक्सेस लिया था एंड बाद में यहाँ पे ऑन फेल्योर लिया था वैसे सेम यहाँ पे भी कर रहे हैं डॉट एड ऑन फेल्योर लिसनर एंड सेम आपको न्यू प्रोवाइड करना है एंड खुद ब खुद मेथड आ जाएगी न्यू ऑन फेल्योर लिसनर। इसमें आपको सेम प्रोवाइड करना है बस यहाँ पे आपको फेल्योर का यूज करना है तो सेम आपको प्रोवाइड करना होगा लॉग डॉट डी एंड यहाँ पे आपको प्रोवाइड करना होगा कैपिटल टी ए जी टैग कॉमा मैसेज क्या सक्सेस के बाद यहाँ पे फेलोअर का क्या आएगा ऑन फेलोअर लिसनर तो मैं इसको स्ट्रिंग में डाल देता हूँ ऑन फेलोअर एंड हम एक मैसेज प्रोवाइड कर देंगे जो भी एरर रहेगा प्लस
डॉट टू स्ट्रिंग। ओके तो अभी हमारा कम्प्लीटली वर्क हो चुका है, तो इसको मैं सेमी कॉलम से क्लोज कर देता हूँ, एंड सेम इसको भी सेमी कॉलम से क्लोज कर देना है। ये होने के बाद आपको इंटेंट को यूज करना होगा, मीन्स जो भी हमारा डेटा रहेगा वो तो चला जाएगा, एंड हम किस एक्टिविटी में चले जाएंगे तो मेन एक्टिविटी में, तो इसलिए हम प्रोवाइड करेंगे इंटेंट का यूज। स्टार्ट एक्टिविटी, न्यू इंटेंट, एंड हमें प्रोवाइड करना होगा एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट को, गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कॉमा जिस एक्टिविटी में जाना है, तो हमें जाना है मेन एक्टिविटी डॉट क्लास में। ओके ये होने के बाद अभी आपको एंटर करना होगा एंड एल्स की कंडीशन आपको यूज करनी होगी, तो इसको मैं थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूँ। ये तो ही कम्प्लीटली इफ की कंडीशन आपको दिखा देता हूँ मैं, ये देखो ये इफ की कंडीशन है, अभी हमें प्रोवाइड करना है एल्स की कंडीशन, एंड सेम आपको यहाँ पे भी टोस्ट शो करना होगा जो भी एरर रहेगा, तो यहाँ पे मैं टोस्ट प्रोवाइड कर देता हूँ। नॉर्मली टोस्ट हम प्रोवाइड कर देंगे डॉट मेक टेस्ट रजिस्टर डॉट दिस, एंड यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे एरर। ओके तो एरर ये होने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऐड का सिंबल दे देंगे, एंड यहाँ से हम जो भी टास्क रहेगा वहाँ से एक मैसेज को प्रोवाइड कर देंगे जो भी एरर करेगा, डॉट सॉरी टास्क डॉट गेट एक्सेप्शन डॉट गेट मैसेज। ओके तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने टोस्ट प्रोवाइड कर दिया, रजिस्टर डॉट दिस एरर, गेट एक्सेप्शन मैसेज भी प्रोवाइड कर दिया, एंड शो भी प्रोवाइड कर दिया। ओके मीन्स इफ एंड एल्स एंड कंडीशन के प्रोवाइड हो चुके हैं, बट यहाँ पे हमें एक प्रोवाइड करना होगा प्रोग्रेस बार, जो भी रहेगा उसकी विजिबिलिटी गॉन करना होगा, तो मैं प्रोग्रेस बार डॉट सेट विजिबिलिटी प्रोवाइड कर देता हूँ, सेट विजिबिलिटी गॉन, यहाँ से आपको प्रोवाइड करना है व्यू डॉट गॉन, एंड सेमी कॉलम से इसको क्लोज कर देना है। तो जैसे कि आप देख सकते हो अभी इफ एंड एल्स की भी कंडीशन सक्सेसफुल हो चुकी है, एंड कम्प्लीटली हमारा जो भी कोड है वो हो चुका है। ओके रजिस्टर डॉट जावा का, बट हमारा एक कोड बाकी है दोनों भी इसका, जैसे अगर कोई यूजर ये जो आपको दिख रहा है पासवर्ड इस पर कोई क्लिक करता है तो वो हाइड होना चाहिए, तो इसका कोड अभी तक हमने लॉगिन डॉट जावा में भी नहीं किया एंड एक्टिविटी रजिस्टर डॉट जावा में भी नहीं किया, तो चलिए इसका कोड हम जल्दी से क्रिएट कर लेते हैं लॉगिन डॉट जावा में एंड इसको रजिस्टर डॉट जावा में पेस्ट कर लेंगे। तो जल्दी से मैं आ जाता हूँ एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बुलियन वैल्यू, बुलियन पासवर्ड विजिबल। ये होने के बाद आपको क्या करना है, एंटर करना होगा, मीन्स इसके नीचे आ जाना होगा क्योंकि हमने यहाँ पे तो प्रोवाइड कर दिया, यहाँ पे भी हमें यहाँ पे इसको डिक्लेयर करना होगा, तो मैं आ जाता हूँ कहाँ पे भी आप जा सकते हो, तो मैं इसके नीचे आ जाता हूँ, यानी जो पासवर्ड है अगर एम पासवर्ड आपको दिखा देता हूँ एक्टिविटी लॉगिन डॉट एग्जामिन में, ये जो इसकी आईडी क्या है, इसकी आईडी है पासवर्ड। ओके एंड यहाँ पे हमने क्या प्रोवाइड किया है पासवर्ड में, पासवर्ड में हमने प्रोवाइड किया है एम पासवर्ड। ओके जैसे कि आप देख सकते हो एम पासवर्ड पासवर्ड, इसलिए हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं एम पासवर्ड को, एम पासवर्ड डॉट सेट ऑन टच लिसनर, अगर यहाँ पे कोई टच करता है सेट ऑन टच लिसनर न्यू व्यू ऑन टच लिसनर, तो आप देख सकते हो खुद ब खुद यहाँ पे मेथड आ चुके हैं, तो रिटर्न फॉल्स को आपको रिमूव कर देना है एंड आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है फाइनल int, एंड यहाँ पे हम प्रोवाइड कर देंगे राइट इज इक्वल टू टू, एंड सेमी कॉलम से इसको क्लोज कर देना है। ये होने के बाद आपको इफ की कंडीशन यूज करनी होगी, तो मैं इफ की कंडीशन यूज कर देता हूँ, इफ मोशन इवेंट, ये जो नेम है इसी को यूज करना होगा आपको, मोशन इवेंट डॉट गेट एक्शन इज इक्वल टू मोशन इवेंट
डॉट एक्शन अप, तो मोशन इवेंट एक्शन अप मेथड शो नहीं हो रही है, तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। यस, यहाँ पे हमें मिल चुकी है। इसके बाद अगेन आपको एंटर करना होगा, एंड जो भी इफ की कंडीशन है इसके अंदर हमें मेथड यूज़ करना है, इसलिए हमने प्रोवाइड कर दिया मेथड का सिंबल इफ। एंड अगेन हम इसमें भी इफ की कंडीशन यूज कर लेंगे, इफ मोशन इवेंट डॉट गेट रॉ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एम पासवर्ड जो हमने प्रोवाइड किया था, एम पासवर्ड डॉट गेट राइट, गेट राइट डॉट एम पासवर्ड, सॉरी स्लैश एम पासवर्ड डॉट गेट कंपाउंड वेरिएबल्स। ये होने के बाद आपको क्या करना है, मेथड प्रोवाइड कर देनी है। इसको हम ये आगे की जो मेथड है उसको बाद में थोड़ी देर में इंप्लीमेंट करेंगे, इसके नीचे पहले हम कोड कर देते हैं। इंट सिलेक्शन तो इसका नेम है इसलिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। इंट सिलेक्शन इज इक्वल टू एम पासवर्ड डॉट गेट सिलेक्ट एंड, तो यहाँ पे सिलेक्शन एंड जो है इसको सिलेक्ट करना है, सेमी कॉलम से इसको क्लोज करना है, इफ की कंडीशन प्रोवाइड करनी है, एंड यहाँ पे जो भी पासवर्ड विजिबल होता है जो हमने ऊपर में यूज़ किया था पासवर्ड विजिबल उसी को यहाँ पे यूज़ करना है। इसके बाद आपको अगेन इफ के कंडीशन में एक मेथड यूज़ करना होगा। ये काफ़ी थोड़ा कोड हार्ड है तो आपको अच्छे से टाइप करते जाना है, एक एक एम पासवर्ड डॉट सेट कंपाउंड वेरिएबल केस। ठीक है, तो आपको एक एक अच्छे से ये जो दिख रहा है सेट कंपाउंड वेरिएबल रिलेटिव विद बेसिक बाउंड वही आपको सिलेक्ट करना है, एंड यहाँ से आपको जीरो प्रोवाइड कर देना है, यहाँ से इसके बाद कॉमा पास कर देना है। मैं यहाँ से कॉमा पास कर देता हूँ, एंड यहाँ से अगेन मैं कॉमा पास कर देता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ से बाद आर डॉट ड्रॉएबल डॉट, हमें सबसे पहले तो ऑफ रखना है इसलिए क्या आएगा आईसी विजिबिलिटी ऑफ, एंड कॉमा अगेन पास करेंगे जीरो, एंड सेमी कॉलम से अगेन क्लोज करेंगे। ये होने के बाद अगेन आपको एम पासवर्ड डॉट सेट ट्रांसफर, तो मैं यहाँ पे सर्च कर देता हूँ ट्रांसफॉर्मेशन मेथड को, तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी शो रही है ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। एंड अभी क्या करना होगा हमें, पासवर्ड मेथड को यहाँ से सिलेक्ट करना होगा, तो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे कैपिटल पासवर्ड नहीं लिया इसलिए शो नहीं हो रहा, तो आपको ध्यान में रखना है यहाँ से कैपिटल पासवर्ड लेना है तभी जाके शो होगा। पासवर्ड ट्रांसफॉर्मेशन मेथड डॉट गेट इंस्टेंस यहाँ से आपको प्रोवाइड करना है। ये होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से पासवर्ड विजिबल फॉल्स कर देना है, एंड सेमी कॉलम से इसको क्लोज कर देना है। ओके, तो सबसे पहले अभी हम क्या करेंगे इस एरर को रिजॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये जो एरर था डॉट गेट ड्रॉबल्स, इसके बाद हमने यहाँ पे राइट भी क्लिक करना होता है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मेथड को हमें यहाँ पे टाइप करना होता है राइट, डॉट गेट बाउंस डॉट विथ, जो भी विड्थ होती है उसको डिफाइन करना होता है, तो आप देख सकते हो जैसे इसको हमने एंटर कर दिया एरर रिजोल्व हो चुका है। ओके, तो अभी अगेन हम इसके नीचे आ जाते हैं पासवर्ड विजिबल के नीचे, ये तो इफ की कंडीशन थी, अगर ऑफ होता है तब की कंडीशन, एल्स में भी हमें प्रोवाइड करना होगा, एंड सेम आपको क्या करना होगा एम पासवर्ड यहाँ से प्रोवाइड करना होगा डॉट सेट। एक काम कर देता हूँ मैं इसको जैसे कि वैसे कॉपी कर देता हूँ ऊपर के कोड को, एंड इसको मैं जैसे कि वैसे यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, कॉपी एंड पेस्ट। एंड ये जो आर डॉट ड्रॉबल डॉट आई सी विजिबिलिटी ऑफ है इसको आपको
डिफरेंट सिलेक्ट करना होगा, आईसी बेसलाइन 24 सिलेक्ट करना होगा। ओके तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने अच्छे से सिलेक्ट कर दिया है। एंड सेम आपको ये जो पासवर्ड ट्रांसफर मेथड है इसकी जगह आपको हाइट ट्रांसफर मेथड सिलेक्ट करना होगा। तो हाइट रिटर्न ट्रांसफर मेथड एंड पासवर्ड विजिबल यहाँ पे फॉल्स था तो इसकी जगह आपको प्रास कर देना है ट्रू। तो आप देख सकते हो अभी हमने दोनों की भी कंडीशन इफ एंड एल्स के अच्छे से इम्प्लीमेंट कर दिए। आपको अगेन थोड़ा स्क्रॉल करना होगा इसको एंड इसके बाद आपको ये जो दिखाई दे रहा है इसके नीचे आ जाना है आपको एल्स के नीचे। एंड यहाँ पे हम प्रोवाइड कर देंगे एम पासवर्ड डॉट सेट सिलेक्शन, ये जो दिखाई दे रहा है आपको सिलेक्शन इसी को ही आपको प्रोवाइड करना है। एंड यहाँ पे आपको सिलेक्शन को प्रोवाइड कर देना, ये जो सिलेक्शन है उसी को हम यहाँ से प्रोवाइड कर देंगे। ये होने के बाद आपको रिटर्न पास कर देना है ट्रू, तो मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ एंड सेमी कॉलम से इसको क्लोज कर देना। एंड ये जो एरर शो हो रहा है यहाँ पे दो कॉलम के नीचे, यहाँ पे जैसे आप रिटर्न ट्रू को पास कर दोगे रिटर्न ट्रू तो ये एरर चला जाएगा। तो आप देख सकते हो अभी हमारा कम्प्लीटली वर्क हो चुका है। जो भी यहाँ पे विजिबिलिटी थी, जैसे मतलब कोई यहाँ पे यूज करेगा मीन्स यहाँ पे अगर कोई क्लिक करेगा तो हाइड भी हो जाएगा एंड अनहाइड भी हो जाएगा। तो सेम आपको रजिस्टर के लिए भी क्रिएट करना है, तो मैं इसको जस्ट कॉपी एंड पेस्ट कर देता हूँ। बुलियन पासवर्ड विजिबल को मैं यहाँ पे रजिस्टर में पेस्ट कर देता हूँ। तो इसको आपको स्क्रॉल करना होगा ऊपर में, ये होने के बाद अगेन आपको लॉगिन डॉट जावा में जाना है एंड ये जो कम्प्लीटली मेथड अभी अभी हमने क्रिएट की है उसको जस्ट कंट्रोल सी से आपको कॉपी करना होगा एंड जैसे इसके नीचे हमने पेस्ट किए थे सेम रजिस्टर डॉट जावा के नीचे आपको पेस्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो अभी हमारा कम्प्लीटली वर्क हो चुका है, मीन्स हमने स्प्लैश स्क्रीन भी अच्छे से क्रिएट कर ली है, रजिस्टर पेज भी क्रिएट कर लिया एंड लॉगिन पेज भी क्रिएट कर लिया एंड उसका जावा कोड जो भी होता है वो भी अच्छे से क्रिएट कर लिया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इसको हम फायरबेस से कैसे कनेक्ट करते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हमने रजिस्टर डॉट जावा का कम्प्लीटली कोड क्रिएट किया था, मीन्स हमारा कम्प्लीटली ऐप अभी क्रिएट हो चुका था। अभी हम इसको फायरबेस से कनेक्ट करने वाले हैं। तो फायरबेस से कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको मेक श्योर कि इंटरनेट ऑन करना है आपको एंड आपको सबसे पहले ब्राउजर में चले जाना है। तो मैं ब्राउजर पर क्लिक कर देता हूँ एंड यहाँ पे सर्च बार में आपको सर्च करना होगा फायरबेस। तो आप देख सकते हो जैसे मैंने फायरबेस को सर्च कर दिया तो यहाँ पे फर्स्ट जो दिखाई दे रहा है टॉप पे यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। फायरबेस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा गो टू कंसोल का, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप गो टू कंसोल करोगे तो आप रिडायरेक्ट हो जाओगे दूसरे पेज में। तो आप देख सकते हो जैसे मैंने गो टू कंसोल पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे रिसेंट प्रोजेक्ट यहाँ पे जो ऑप्शन है बहुत सारे हमारे जो भी प्रोजेक्ट ऑलरेडी क्रिएट है वो यहाँ पे शो हो रही है। तो मैं यहाँ पे ऐड प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ एंड एंटर योर प्रोजेक्ट नेम में मैं अपना प्रोजेक्ट नेम दे देता हूँ लॉग इन एंड रजिस्टर, ठीक है। ये होने के बाद आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देना है एंड इसको भी स्क्रॉल करना है नीचे एंड अगेन आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देना है एंड ये जो सिलेक्ट एन अकाउंट है यहाँ पे जो भी डिफॉल्ट होता है उसको ही आपको सिलेक्ट करना है एंड क्रिएट प्रोजेक्ट पे आपको क्लिक करना है। ओके आप देख सकते हो जैसे क्रिएट प्रोजेक्ट हमने कर दिया है वैसे क्रिएटिंग योर प्रोजेक्ट प्लीज वेट यहाँ पे शो रहा है। तो हम वेट करते हैं जब तक हमारा पूरा कम्प्लीटली सेटअप नहीं होता तब तक। तो आप देख सकते हो यहाँ पे प्रोजेक्ट सक्सेसफुल क्रिएट हो चुका है। तो मैं अभी कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे हम कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे डैशबोर्ड में हम आ चुके हैं। तो अभी यहाँ पे जो एंड्रॉयड का सिंबल है यहाँ पे आपको सबसे पहले क्लिक करना होगा, यहाँ पे देखो एंड्रॉयड पैकेज नेम एंटर करने के लिए बोल रहा है। तो आपको प्रोजेक्ट में जाना होगा, मैं प्रोजेक्ट में आ जाता हूँ एंड लॉग इन में चले जाते हैं हम सबसे पहले एंड टॉप में सबसे हमारा पैकेज नेम होता है। पैकेज नेम काफ़ी जगह होता है, आप कहाँ से भी ले सकते हो। तो मैं यहाँ से पैकेज नेम को कॉपी कर देता हूँ, सेमी कॉलम को आपको कॉपी नहीं करना है ध्यान में रखना है आपको एंड यहाँ पे मैं कंट्रोल वी से पेस्ट कर देता हूँ एंड आपका प्रोजेक्ट का नेम एंटर कर सकते हो आप रजिस्टर पेज।
या फिर जो भी आपको नेम एंटर करना है वो कर सकते हो। SH1 की भी आप एंटर कर सकते हो, बट ऑप्शनल है इसलिए मैं एंटर नहीं कर रहा हूँ। रजिस्टर डॉट ऐप पे क्लिक करना है आपको, तो आप देख सकते हो जैसे हमने वहाँ पे क्लिक किया, इसके बाद हम डाउनलोड गूगल सर्विस जेसन के इसमें आ चुके हैं। तो आपको इसको डाउनलोड पे क्लिक कर देना है इस बटन पे, एंड जैसे इस पे क्लिक करोगे तो हमारी जो भी सर्विस जेसन फाइल रहेगी वो थोड़ी देर में डाउनलोड हो जाएगी। तो अभी मैं नेक्स्ट करता हूँ तब तक। एंड हमने सभी डिपेंडेंसी को पेस्ट ऑलरेडी किया है इसलिए आपको ज़रूरत नहीं है पेस्ट करने की। इसके बाद आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करना है एंड नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक कर देना है। ये होने के बाद आपको कंटिन्यू टू द कंसोल पे क्लिक कर देना है। ओके, तो आप देख सकते हो अभी हमारा कम्प्लीटली सेटअप हो चुका है। अभी आपको जाना है प्रोजेक्ट सेटिंग में, तो मैं आ जाता हूँ। ये जो आपको सेटिंग है इस पर सबसे पहले आपको क्लिक करना है, प्रोजेक्ट सेटिंग पे क्लिक करना है, क्योंकि हमारी कोई भी गूगल सर्विस जेसन फाइल डाउनलोड नहीं हुई है इसलिए हम इसको अगेन डाउनलोड करके देखेंगे। तो इसलिए सेटिंग पे, प्रोजेक्ट सेटिंग पे आपको क्लिक करना होगा। तो आप देख सकते हो अभी हम प्रोजेक्ट सेटिंग पे आ चुके एंड यहाँ से हम गूगल सर्विस जेसन फाइल पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया एंड जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो आप देख सकते हो यहाँ पे गूगल सर्विस जेसन फाइल अभी डाउनलोड हो रही है। ओके, तो ये तो हुआ सर्विस जेसन फाइल डाउनलोड। अभी तो इसके बाद आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट ओवरव्यू जो भी हमारा होम पेज होता है हम आ जाते हैं एंड बिल्ड पे क्लिक करना होगा आपको। एंड ये जो ऑथेंटिकेशन है आपको इस पे क्लिक करना होगा। तो जैसे हम ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करेंगे तो ऑथेंटिकेशन के पेज में हम आ जाएंगे। इसके बाद आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना होगा। तो जैसे हम गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे तो सेम हमें प्रोग्रेस बार देखने के लिए मिल जाएगा। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन ओपन हो चुके हैं। तो अभी हमें किस पे क्लिक करना होगा, ईमेल एंड पासवर्ड पे, क्योंकि अगर कोई भी यूज़र रजिस्टर करता है तो यहाँ पे ईमेल हमें शो होना चाहिए। ओके, तो इसलिए हमने ईमेल एंड पासवर्ड पे क्लिक कर दिया एंड इसको हम एनेबल कर देंगे। एनेबल करने के बाद आपको ये जो सेव का ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको इस पर क्लिक करना है। ये होने के बाद आप देख सकते हो ये जो ईमेल एंड पासवर्ड है वो एनेबल हो चुका है। अभी हमें क्या करना होगा, जो सर्विस जेसन फाइल है इस पर जाना होगा एंड इसको कंट्रोल सी से कॉपी करना होगा। तो मैं इसको कॉपी कर देता हूँ एंड हम आ जाते हैं हमारे प्रोजेक्ट में। ये जो एंड्रॉयड है इस पर आपको क्लिक करना होगा, प्रोजेक्ट पे क्लिक करना होगा एंड प्रोजेक्ट के बाद इसको ओपन करना होगा। एंड ये जो ऐप है इस पर आपको क्लिक करके कंट्रोल भी करना होगा, मीन जो भी सर्विस जेसन फाइल हमने कॉपी की यहाँ पे हमें पेस्ट करना होगा। एंड ओके बटन पे हम क्लिक कर देते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे गूगल सर्विस जेसन फाइल इम्प्लीमेंट हो चुकी है। तो अभी हमारा जो भी फायरबेस का सेटअप था वो सब कम्प्लीटली हो चुका है। तो अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले एंड्रॉइड स्टूडियो में आना है, प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, अभी एंड्रॉइड पे क्लिक कर देना है। ये होने के बाद अभी हमें एक लॉगआउट का पेज क्रिएट करना है। ओके, तो ये जो एक्टिविटी मेन डॉट एग्जेमएल है यही हमारा लॉगआउट रहेगा। मीन्स अगर कोई रजिस्टर पे कोई क्लिक करेगा तो होम एक्टिविटी में चला जाएगा, मीन्स एक्टिविटी मेन में चला जाएगा। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ही मैं एक बटन इम्प्लीमेंट कर देता हूँ लॉगआउट की। तो इसलिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पे रिलेटिव लेआउट को आपको सिलेक्ट करना होगा। तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ रिलेटिव लेआउट। इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो टेक्स्ट व्यू है उसको रिमूव करना होगा। तो मैं सबसे पहले टेक्स्ट व्यू को रिमूव कर देता हूँ एंड यहां से मैं सिलेक्ट कर देता हूँ बटन। तो एंड इसकी विड्थ दे देता हूँ रैप कंटेंट एंड सेम इसकी हाइट भी दे देता हूँ रैप कंटेंट। एंड यहां से आपको टेक्स्ट प्रोवाइड करना होगा बटन का। तो टेक्स्ट आपको प्रोवाइड करना है लॉग आउट एंड यहाँ से आपको सेंटर में लेके जाना है इस बटन को, क्योंकि यहाँ पे शो रहा है तो इसलिए आपको करना होगा बस सेंटर इन पेरेंट ट्रू। सॉरी, यहाँ पे हमने फॉल्स किए, यहाँ पे आपको प्रोवाइड करना है ट्रू। यही होने के बाद आपको ऑन क्लिक इम्प्लीमेंट करना है। तो लॉग आउट करके नेम दे देता हूँ मैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंटर वर्टिकल किए हमें, सेंटर वर्टिकल नहीं, हम सेंटर इन पेरेंट कर देंगे, सेंटर इन पेरेंट ट्रू। तो ये सेंटर में आ जाएगा। यहाँ पे एरर शो कर रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे ऑन क्लिक यूज किया है। ओके, तो इसको आपको बल्ब पे क्लिक करना है, शो कॉन्टेक्स्ट एंड इसके बाद ये जो क्रिएट लॉगिन व्यू है इस पर आपको क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पे क्या प्रोवाइड करेंगे, हम इंटेंट का यूज करेंगे। मीन्स मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर कोई लॉगआउट पे क्लिक कर देता है तो लॉगआउट पे क्लिक करने के बाद यूजर कहाँ जाएगा, लॉगिन पे पेज पे। क्यों, क्योंकि यूजर का ऑलरेडी जो भी है वो डेटा ऑलरेडी उसने रजिस्टर तो किया ही होगा, रजिस्टर में तो हम भेज नहीं सकते, इसलिए हम भेज देंगे यूजर को लॉगिन के पेज में।
इसलिए हमें यूज करना होगा यहाँ पे इंटेंट का। तो मैं यहाँ पे इंटेंट प्रोवाइड कर देता हूँ, इंटेंट इंटेंट इज इक्वल टू न्यू ऑफ इंटेंट, जिस एक्टिविटी में हो उस एक्टिविटी का नेम, मीन्स मेन एक्टिविटी डॉट दिस कॉमा, जिस एक्टिविटी में हमें जाना है, तो हमें जाना है लॉग इन एक्टिविटी में, तो लॉग इन डॉट प्लस, ओके, एंड सेमी कॉलम से इसको क्लोज कर देंगे एंड स्टार्ट एक्टिविटी हम प्रोवाइड कर देंगे। इसमें जो इंटेंट का नेम है इसको आपको प्रोवाइड करना होगा, तो मैं प्रोवाइड कर देता हूँ इंटेंट। तो आप देख सकते हो अभी हमारा कम्प्लीटली लॉगआउट का भी वर्क हो चुका है। अगर कोई यूजर लॉग इन या रजिस्टर कर लेगा तो वो चला जाएगा डायरेक्ट मेन एक्टिविटी में, अगर उसको लॉगआउट करना है तो लॉगआउट बटन क्लिक करके वो डायरेक्ट चला जाएगा लॉग इन डॉट एक्सएमएल में। तो अभी हमारा कम्प्लीटली फायरबेस का भी सेटअप हो चुका है एंड कम्प्लीटली कोडिंग भी क्रिएट हो चुकी है। तो अभी फाइनली हम अपने ऐप को रन करके देखते हैं। तो ऐप को रन करने के लिए सबसे पहले मैं डिवाइस को कनेक्ट कर देता हूँ एंड्रॉइड स्टूडियो के साथ। तो अभी मैंने मोबाइल डिवाइस को कनेक्ट कर दिया है, यहाँ पे शो रहा होगा ओप्पो RMX 811। तो मैं अभी रन ऐप पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे हम रन ऐप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ग्रेडल बिल्ड स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे शो रहा है ग्रेडल बिल्ड रनिंग। तो हम वेट करते हैं ग्रेडल बिल्ड फिनिश होने तक। तो जैसे ग्रेडल बिल्ड फिनिश हो जाएगा हमारे मोबाइल डिवाइस में ऐप इंस्टॉल हो जाएगा। तो हम वेट करते हैं तब तक। तो आप देख सकते हो यहाँ पे शो हो रहा है ग्रेडल बिल्ड फिनिश इन 17 सेकेंड एंड अभी इंस्टॉल का प्रोग्रेस बार भी अभी शो हो रहा है एंड यहाँ पे मैसेज भी आ चुका है लॉन्च सक्सेस, मीन्स हमारे मोबाइल डिवाइस में थोड़ी देर में ऐप इंस्टॉल हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्प्लैश स्क्रीन हमारी रन हो रही है लॉग इन ऐप एंड हम लॉग इन ऐप का साइन इन पेज में भी आ चुके हैं, ठीक है। तो अभी ईमेल पे क्लिक करेंगे तो ईमेल भी वर्क कर रहा है, अगर पासवर्ड पे क्लिक करते हैं तो पासवर्ड भी वर्क कर रहा है। अगर साइन अप पे हम क्लिक करेंगे, जो नीचे दिखाई दे रहा है आपको साइन अप, इस पे हम क्लिक करेंगे तो हम साइन अप के पेज में भी चले जाएंगे। तो आप देख सकते हो हम साइन अप के भी पेज में आ चुके हैं एंड अगर मैं साइन इन पे क्लिक करता हूँ जो नीचे है, तो साइन इन पे अगर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो हम साइन इन पे भी चले जाएंगे। तो आप देख सकते हो हम साइन इन में आ चुके हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले साइन अप पे क्लिक करके देखते हैं। तो जैसे हम साइन अप पे क्लिक करेंगे तो हम आ जाएंगे साइन अप के पेज में। तो मैं अभी सबसे पहले नेम एंटर कर देता हूँ, तो नेम मैं अपना दे देता हूँ रोहित घाटे एंड यहाँ पे आपको ईमेल कोई भी दे देनी है तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ ईमेल आईडी अपनी। ये होने के बाद आपको पासवर्ड एंटर करना है, तो मैं पासवर्ड भी एंटर कर देता हूँ। आप विजिबल इनविजिबल भी कर सकते हो यहाँ से, जो कि हमने ड्रॉबल में सेट किया था, यहाँ से आप मेल फीमेल कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, ओके। तो अभी हम क्या करते हैं साइन अप पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे हम साइन अप पे क्लिक करते हैं तो देखते हैं हमारी क्या क्या एक्टिविटी शो होती है। तो आप देख सकते हो जैसे कि प्रोग्रेस बार यहाँ पे शो हो रहा है एंड रजिस्टर सक्सेसफुल का भी मैसेज आ चुका है। तो अभी हम क्या करते हैं लॉगआउट पे हम क्लिक करके देखते हैं कि क्या होता है। तो जैसे हम लॉगआउट पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हो साइन इन पेज में हम आ चुके हैं। तो साइन इन हम करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने ईमेल आईडी फिलअप कर दी है एंड यहाँ पे आपको कोई भी पासवर्ड एंटर करना है एंड लॉगिन पे क्लिक करके देखते हैं। यस, लॉगिन सक्सेसफुल, मीन्स हमारा कम्प्लीटली ऐप अच्छे से वर्क कर रहा है। तो जो हमने यहाँ पे रजिस्टर किए वो डेटा अभी कम्प्लीटली फायरबेस में शो होगा। वो कैसे शो होगा मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो अभी हम फायरबेस में आ चुके हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले यूजर्स में चले जाएंगे। तो जैसे हम यूजर्स पे चले जाएंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमने जीमेल आईडी से लॉगिन किए थे रोहित घाटे 442, वही यहाँ पे जीमेल आईडी भी शो हो रही है एंड यहाँ पे यूजर आईडी भी शो हो रही है। तो इस तरीके से आप अपने लॉगिन पेज को क्रिएट कर सकते हो या फिर साइन अप पेज को क्रिएट कर सकते हो एंड उसमें लॉगआउट का भी फंक्शन इजीली डाल सकते हो। तो आई होप गाइस अभी आपको कम्प्लीटली समझ में आएगा कि साइन इन एंड साइन अप का पेज कैसे क्रिएट करते हैं। तो अगर आपको क्रिएट करना है तो आप खुद भी क्रिएट कर सकते हो। अगर मुझसे आप क्रिएट करवाना चाहते हो तो मैं आपको व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उससे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड मेरे से भी ये साइन अप पेज क्रिएट करके ले सकते हो। तो आई होप गाइस अभी आपको कम्प्लीटली समझ में आओगा कि साइन अप एंड साइन इन पेज कैसे क्रिएट करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना, हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलता है नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।